आज जो टॉपिक चालू कर रहा हूं मैं सेक्शन बी, ये आपके कम से कम 14 से 15 लेक्चर्स लेंगे, मतलब ये 7 वीकों तक ये चैप्टर चलेगा। मेरा डेडलाइन मैंने 17 जुलाई लिया है, आज से डायरेक्ट एक महीने बाद आई विल ट्राई टू फिनिश इट कम्प्लीटली। अभी ये थोड़ा ना मैंने ऐसा सोचा है कि इसके साथ में सम भी सॉल्व करवाएगा, ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड है, बट मैं क्लासरूम में भी कुछ एडिशनल सम्स करवाएगा सो दैट इसका कंप्लीट तुमको नॉलेज मिले। ओके, दूसरी चीज मेरा एक तुमको ये बोलने का है कि ये सबसे बड़ा टॉपिक है ऑफ इंटायर सीएमए यूएस। कोई मेरे को पर्सनली अगर ओपिनियन देता कि सीएमए यूएस कैसा कर, तो मैं ऐसा बोलता सीएमए यूएस को 3 पार्ट में बाइफर्केट करो, एक पार्ट 1 बनाओ, एक पार्ट 2 बनाओ और एक सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी बनाओ। ये इतना बड़ा टॉपिक है, सब एक दूसरे को मत देखो, ये सच में इतना बड़ा टॉपिक है, बट स्लोली ग्रेजुअली वी विल विन द रेस, जीत तो जाएंगे ही। तो गाना सुना ना बॉब द बिल्डर, क्या सुना था उसमें बॉब द बिल्डर, कार्टून जैसा है। ओके, करके दिखाएंगे। हाँ, पढ़ ही लेंगे अपन भी। चलो ये अच्छा है या ये अच्छा, ब्लैक सही है। चलो आ जाओ, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक व्हिच इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी आज बुक का कुछ भी काम नहीं है, सीधा सिर्फ सुनने का तुमको। सेक्शन बी जिसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंस। चलो, मैंने अपना टारगेट 12 लेक्चर्स लिया है, 10 से 12 लेक्चर जाएगा क्योंकि इसमें B1 से लेके B6 तक आज मेरा प्लानिंग है, B1 पूरा अच्छे से उड़ाने का। ओके, फिर कल से B2 चालू होगा, B2 इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आज जो टॉपिक चालू कर रहा हूं मैं वो सिंपल सा एक टॉपिक चालू कर रहा हूं, रिस्क एंड रिटर्न्स। अभी कुछ लोग इधर पे ऐसा बोलेंगे, ओ वो वाला रिस्क, हम लोग बोलेगा सर हम तो कुछ नहीं बोला, तुम ही अपना ज्ञान दे रहा है, वो भी फालतू वाला। पहले एक बात बताओ, जैसे कैल्सी चुराया कौन इधर, किसे चोरी की कैल्सी? मैं कैल्सी बोल रहा तो कैल्सी छुपा दी है वो, ए भगवान, कैल्सी नहीं रे, मैं कैल्सी बोला, सॉरी स्केल, इधर ला स्केल दे, स्केल चुराता है तू। थैंक यू। 60 रुपए का स्टेशन से लिया है, तू आधा वाला स्केल दे ला इधर, जल्दी दे। चलो आ जाओ, सुनो। अब मैं तुमको एक चीज बता रहा, देखो रिस्क एंड रिटर्न सिंपल सा टॉपिक है, आराम से। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिटर्न्स। ओके, एक बात बताओ, जब मैं रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ ना, सबसे पहले तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए पता है? एक रिटर्न्स होता है जिसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स रिटर्न्स। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से मेरी बात समझ। सबसे पहले रिटर्न्स का मतलब समझते हैं क्या होता है। रिटर्न्स का मतलब सिंपल सा है कि आज अगर तुमने 100 रुपया डाला है तो वो 100 रुपया तुमको कितना कमा के देगा, मतलब कितना पैसा तुमको वापस मिला। मैंने अगर किसी इन्वेस्टमेंट में अगर 100 रुपया डाला है एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज गिविंग मी $100 डाला है और वो मेरे को $10 रिटर्न्स में दे रहा है, इसका सिंपल सा मतलब यही निकलता है कि उसने मेरे को $10 रिटर्न्स दिया। ओके, नाउ अभी जब शेयर होल्डर्स का लाइफ आता है ना, तो शेयर होल्डर्स की लाइफ में दो चीज होता है। ओके, हिमांशु सर, दिस इज नॉट EPS, दिस इज समथिंग एल्स। ओके, तो कोई भी एक शेयर होल्डर होता है ना, ही इज ऑलवेज गोइंग टू फोकस ऑन टू थिंग्स। आराम से मेरी बात समझ, दो चीज। अभी ये दो चीज कौन सा है, ध्यान समझ। सबसे पहला, ही इज गोइंग टू फोकस ऑन कैपिटल रिटर्न्स और दूसरा, ही इज गोइंग टू फोकस ऑन इनकम रिटर्न्स। क्या बोला मैंने, दो टाइप का रिटर्न्स है, एक है कैपिटल रिटर्न्स, दूसरा है इनकम रिटर्न्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द कैपिटल रिटर्न्स। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक यश नाम का कोई लड़का है जिसने $1,000 इन्वेस्टमेंट किया, उसने इन्वेस्टमेंट किया। ओके, उसने क्या किया है, 50 शेयर्स एट द रेट $20, कैन आई से दिस इज 1000, और ये उसने लिया है आज 1/1/2023 के डेट पर। ओके, चलो अब मैं क्या बता रहा हूं, नाउ यश, व्हाट यश विल बी एक्सपेक्टिंग, कि जो उसका $20 है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, पता पता ऑनलाइन वालों सब लोग, जो ये $20 है ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए।
कितना चाहिए था? अमाउंट बोलना थी 1200। इसको 25 बना दो या 30 बनाओ, तू बोल, तू जो बोलेगा मैं लिख लेंगी। तेरा 20 रुपए का शेयर, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कितना बढ़ना चाहिए एक साल में? 25। सुपर, तो आज इतना लॉस क्यों क्यों दिख रहा है? तेरा भी इसके साथ कटा है क्या? अच्छा तेरा कटा नहीं, ओके चलो। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो 50 शेयर्स है, 50 शेयर्स है, यश बोल रहा है कि सर मेरा साल के एंड में $25 हो गया, 31/12/2023 को इसका 31 हो गया। कैन आई से इसको भी कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिला हुआ, बराबर है। अभी मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊं तो एक छोटा सा मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, वो लगाऊंगा 25 - 20, करेक्ट है? और उसने कितना इन्वेस्टमेंट डाला था? नहीं रे बेटा, एक शेयर का वैल्यू कितना था? 20 ना, 20 रुपया ना, चल 20 रुपये। इसका परसेंटेज निकालो कितना आता, इसका परसेंटेज निकालो कितना आता? 100 से दिया ना, मैं बस डायरेक्ट कर दिया, 100 देखा नहीं, इसीलिए पहचानता है कि नहीं मेरे को, कौन हूँ मैं? यस सर, पहचानता है ना मेरे को, बेस्ट फ्रेंड। क्या बात है, तुम लोग कितना कॉम, एक मिनट, मैं लास्ट टाइम में कुछ एक कपड़ा पहन गया था, तुम लोग ने बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया था, अहमदाबाद इफेक्ट ना, ठीक है चलो। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे सर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियसली तुम लिख सकते हैं। मैं क्या लिख रहा हूँ, 50 - 25 - 50 - 20 / डिवाइड बाय, बोलो क्या लिखो, डिवाइड बाय 50 - 20 अगेन, ऑब्वियसली ना दिस इज माय टोटल इन्वेस्टमेंट। चल कितना आता है कर, 50 - 25 कितना? 1250। एंड कैन आई से दिस विल बी 1000 इन्वेस्टमेंट किया था, डिवाइड बाय 1000 * 100 अगेन यू आर गोइंग टू गेट 25%। सिंपल, मतलब यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन किया दिस वॉज बेस्ड ऑन अ पर शेयर बेसिस, ये मेरा पर शेयर था, परफेक्ट है। और यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, टोटल अमाउंट वाइज, टोटल अमाउंट, पहले तुमको ये समझा के मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो? ये जो मैंने बताया क्या इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो? देखते हैं, आ जा, मतलब आई ट्राई टू मेक दिस इन फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला वैसे मतलब... मतलब ये फॉर्मूला नहीं था? हाँ, अरे बेटा मैं बोल रहा हूँ ये अपन ने क्या कैलकुलेशन लॉजिकली किया कि ये क्लोजिंग है, इतना पैसा डाला तो इतना रिटर्न्स मेरे को मिला। मैं बोल रहा हूँ क्या इस चीज को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सुनना, सो व्हाट आई एम सेइंग, इसको फॉर्मूले में कन्वर्जन कुछ ऐसे दे सकते हैं अपन। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंडिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू इज 550, बताओ ना, या तो 25 ले ले, माइनस बिगनिंग वैल्यू, बिगनिंग वैल्यू दिस होल डिवाइड बाय, बोल क्या लिखो, बिगनिंग वैल्यू। ए प्रियंका देखो समझा क्या ये, प्रियंका, प्रियंका, यस सर, समझा ये? हाँ बराबर, एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू डिवाइड बाय बिगनिंग वैल्यू, इसी को बोलते हैं अपन कैपिटल रिटर्न्स। मतलब जितना पैसा मैंने डाला वो पैसा मेरे को वापस मिल गया, मतलब सॉरी जितना ओपनिंग में था उससे ज्यादा मैंने कमा लिया। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, कैन कैपिटल रिटर्न्स बिकम्स नेगेटिव? क्या कभी कैपिटल रिटर्न्स नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ सर, हो सकता है सर। सिंपल सा चीज को ऑब्वियसली होगा ना, अगर मेरा शेयर का वैल्यू अगर डिक्रीज हो गया मेरा रिटर्न्स माइनस में आएगा। पहले बताओ कैपिटल रिटर्न सबको आ गया समझ में? सिंपल सर, चलो नाउ लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट रिटर्न्स। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम एग्जांपल आई एम टेकिंग, यश के पास एक सिक्योरिटी है, यश के पास एक सिक्योरिटी है,
1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है यश का, ओके लेकिन यश को ना इस पे पता है कंपनी ने इस शेयर्स पे डिविडेंड दिया, उसको डिविडेंड दिया $20 का, $20 का, ओके तो मेरे को एक बात बताओ कितना छापा यश, 20 रुपया, कितने इन्वेस्टमेंट पे, 1000 के इन्वेस्टमेंट पे। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि यार ये तो ऐसा भी कैलकुलेशन हो सकता है ना कि उसको $20 मिला ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ $1000, क्या बोलता है पब्लिक? हाँ हाँ हाँ, जो शेयर्स को ही सिक्योरिटीज अपन बोलते, चलो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, हाउ मच? देख 1000 रुपीज का यश का इन्वेस्टमेंट था, 1000 पे यश को डिविडेंड मिला 20 रुपए का, तो यश को कितना परसेंट रिटर्न्स मिला 1000 पे, कितना परसेंट इसको मिला? तो 1000 पे उसको 20 रुपए मिला, मैंने क्या किया 20 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, कैन आई से दिस इज 2%? ठीक है चलो, हाँ सर, सर कुछ बोल हो गया? It will be total of 102%, right? 100% is 1000 and 2% above 100. नहीं, मैं सिर्फ इनकम का रेट अभी से पूछ रहा हूँ। आप जो बोल रहे हो ना वो टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ओके सर, इट विल बी 2%। यस अमित, तो मैं बोल रहा हूँ 1000 पे अगर इफ यू आर गेटिंग 20, देन हाउ मच परसेंटेज यू आर गेटिंग ऑन 1000 रुपीस? 2%। सभी अपना माइक ठीक करो, बहुत बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है। चलो इतना है, कैन आई कन्वर्ट दिस इनटू फॉर्मूला? बता बता कैसे करेंगे बोलो। नहीं ना बेटा, फॉर्मूला सेम है, मतलब यहाँ पे मैं डिफरेंस नहीं लेता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली अमाउंट ही लेता हूँ। गुड, कैन आई से डिविडेंड डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट? करेक्ट है, चलो इसको ही बोलते हैं इनकम रिटर्न्स, इनको बोलते हैं इनकम रिटर्न्स। पहले ये समझ में आ गया, कैपिटल रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट रिटर्न। अब मैं उठा के यहाँ पे इसको छाप देता हूँ, ओके एक सेकेंड, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 भी नहीं लिखना, ठीक है? चलो ये कॉपी किया मैं और इसको ऊपर जाके छाप देता हूँ। किसी को कोई डाउट अभी तक? मैत्री, सर दोनों का फिर डिफरेंस यही हुआ ना कि हमने जब कहीं तो इन्वेस्ट किया उसको पूरा सेल आउट कर दिया, और इसमें क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट को रख रखे हैं। एक सेकंड सर, थोड़ा सा मैं कट करता हूं आपको, सॉरी प्लीज बेटा। सर वी आर नॉट सेलिंग द सिक्योरिटी। अभी होता ना अक्रूड, अभी मैं एग्जांपल बताता हूं। लेट्स से सर आपको आपका सैलरी मार्च का सैलरी यू विल गेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल 7th, करेक्ट है सर? लेकिन सर एक बात बताओ, 31st को आपको ये तो फीलिंग आता ना यस पैसा छाप लिया, बिल्कुल। तो इधर पे ना सर वी आर जस्ट इवैल्यूएटिंग द इन्वेस्टमेंट कि इसने कितना परसेंट रिटर्न्स दिया। बट यस सर, जब आप डिविडेंड का रिटर्न्स निकाल रहे हो ना, इनकम रिटर्न्स निकाल रहे हो, यू हैव ऑलरेडी गॉट दैट, ओके। अभी जब आप कभी अपना पोर्टफोलियो जब देखते हो, जो पता है आपका मेरा हाल सेम ही है, सब निगेटिव ही है, बट स्टिल तो कर ही सकते हैं ना सर। भी जब आपने जो वैल्यू लिया होगा और जो भी एंडिंग वैल्यू होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट द परसेंटेज, वो आपको मिला नहीं है बट ये मिल सकता है आपको। करेक्ट करेक्ट। रोहित तो कुछ पूछ रहा था अभी। सर मुझे दोनों में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है, क्या ये भी तो टोटल अमाउंट बता दो। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है? जो कंपनी ने तेरे को दे दिया साल के बीच में, बोला तुमने इतना इन्वेस्टमेंट किया 20 लेके जाओ, दैट इज योर डिविडेंड। पता है ना 12th में पढ़ा होगा, शेयर्स पे पता है, हां सर इंटरेस्ट मिलता है। तो ये तेरे को डिविडेंड मिला है, एक्चुअली तेरे जेब में गया, सो यू आर हैप्पी कि तेरे को $20 मिल गया। इधर पे क्या है पता है, यू आर जस्ट इवैल्यूएटिंग योर इन्वेस्टमेंट कि अगर 20 रुपया मैंने डाला था तो आज क्लोजिंग डे पे मेरा वैल्यू कितना हो गया, बराबर ना? तो 20 यहां पे डाला हुआ है और यू आर जस्ट अज्यूमिंग कि यहाँ पे अगर 25 हो गया तो मेरे शेयर का इंप्रूवमेंट कितना हुआ, कितना परसेंट मेरे को पैसा एक्स्ट्रा मिलने वाला है अगर मैंने आज के आज इसको बेच दिया तो, बराबर है? ओके सर, ओके हाँ सर। एक मिनट, मैं तेरे को क्या बोल रही हूँ, ऑब्वियसली ना मैंने क्या बोला, अगर तेरा शेयर का सिक्योरिटी का नाम यहाँ पे 20 रुपए और तेरा क्लोजिंग वैल्यू पे 18 हो गया तो माइनस ही आएगा।
इनकम माइनस कैसे होगा? तू थोड़ी एक, अरे यार इनकम रिटर्न्स नहीं, अब मैं बोलूंगा इनकम रिटर्न्स कैसे कैसे माइनस होगा? तुम कंपनी को बोलेगा, कंपनी सुनो ना, मैंने तुम्हारे शेयर्स लिए हैं, मैं ही तुमको पैसा देता हूँ, चलो मैत्री बोल। सर तो जो ये कैपिटल रिटर्न्स है तो उसमें जो एंडिंग वैल्यू है वो तो थोड़ा एस्टिमेट ही लगाना पड़ेगा ना कि अपना शेयर इतना। एक मिनट, तो जब मार्केट में शेयर्स खरीदती बेचती है तो तू खुद दिमाग लगाती है कि मार्केट तेरे को खुद देता है प्राइस का, आज का क्या है? बराबर ना, सुनो हाँ। जो मार्केट है ना ये, प्लीज आगे चल के मैं बताऊंगा, इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जर्नी बहुत लंबा होने वाला है, तुम लोग पहले ही कॉन्सेप्ट में मेरी बात लगा रहा है। ठीक है ठीक है, बोलो बोलो आगे, कोई किसी को डाउट? सर फिर जो कैपिटल रिटर्न्स में जो एंड वैल्यू है जो हाँ। वो भी एक इनकम ही हो गया ना फिर सर? हाँ बेटा इनकम ही हुआ। देख सुन रोहित, एक काम कर, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ये शेयर है समझ, बराबर, ये तूने 20 रुपए का लिया, आज पहला तारीख, बराबर, तेरा मन क्या करेगा कि इसका प्राइस बढ़े? यस सर। अब मैं देखो बोल रहा हूँ, साल के एंड में तेरा वैल्यू 25 रुपया हो गया, तो अंदर ही अंदर तो खुश तो है ना? यस सर। 20 रुपया डाला, 25 मिला, तो ऑब्वियसली तू बोलेगा ना कि इतना परसेंट रिटर्न छाप लिया है मैंने। हाँ सर। आज का देगा इसको बेस देगा तो 25 रुपया बेटा जेब में गया ना, मतलब 5 रुपया यू गॉट एक्स्ट्रा। यस सर। से कमाया, ये कंपनी ने नहीं दिया है भाई, कंपनी ने सिर्फ डिविडेंड दिया, ये तो अपना मार्केट फैक्टर्स है ना, मतलब अगर जब मैंने शेयर्स लिया तो 20 रुपया, आज जब बेच रहा हूँ तो 25 रुपया, क्या पता कल को 30 रुपया भी हो, या तो क्या पता कल को 18 रुपया भी हो। मैं तुमको इसलिए बोला कैपिटल रिटर्न्स माइनस में जा सकता है, बराबर, 20 का शेयर 15 हो सकता है, लेकिन डिविडेंड कभी माइनस में नहीं आएगा, तुम कंपनी को नहीं दोगे डिविडेंड। क्या हो सकती है? अभी एग्जांपल देता हूँ, सुनो, इसने अच्छा डाउट पूछा, इसने पूछता है कि जो शेयर मार्केट आपका पूरा चैप्टर ही वही है, तुम लोग पहले लेक्चर में मेरी वाट लगा रहा है, ठीक है, एक बात बता, रिसेंटली पता है इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम पे न्यूज देखता है, पीवीआर के शेयर 5% डाउन है, काय को डाउन हुआ? डिमांड कम नहीं, आदि पुरुष की वाट लग गई, आदि पुरुष कोई देखने नहीं जा रहा, तो तू समझा, कोई कोई मार्केट न्यूज होता है ना जिसके वजह से मार्केट अपने आप ही शेयर्स डाउन हो जाता, मैं आगे चल के बताऊंगा, व्हेन यू परचेज मोर प्राइस विल गो अप, व्हेन यू सेल योर शेयर्स देन प्राइस विल गो डाउन। अभी बीच में अदानी का केस हुआ था मालूम है, तो पब्लिक क्या कर रहा था, शेयर सेल कर रहा था, तो जब तुम शेयर सेल बहुत करते हो ना तो प्राइस अपने आप डाउन जाता है, ये सब बताएगा वो वजह वाला, मैं बताएगा तो मैं तेरे लिए गाना गाएगा, वजह तुम हो, बहुत बकवास था। आगे किसी को डाउट? तुम लोग आगे कोई बढ़ने ही नहीं देता मेरे को। ए भाई बोलो। नहीं सर हो गया। पूछो मैं अच्छा आदमी हूँ, गाय को चारा खिलाता है मैं, बोलो सर। एक डाउट था। हाँ डाउट बोलो। अगर टोटल हम लोग रिटर्न्स निकलने जाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा फिर? अभी वही अगला विषय वही है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उसके अलावा कोई डाउट? ठीक है चलो, अब मैं तुमको क्या बताया था, कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग समझो, कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग यही था कि मैं आपको शेयर होल्डर्स रिटर्न सिखा रहा था, बराबर है, बराबर ना, और उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बराबर। अब मैं तुमको एक आराम से एक चीज बताता हूं, सुन लो, शेयर होल्डर्स रिटर्न क्या हो सकता है? सबसे पहला, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम रिटर्न्स एंड कैपिटल रिटर्न, बराबर ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों को जोड़ देने का, अगर तुम दोनों को जोड़ो, ये 2% है, ऊपर कितना आता है 25%, बराबर ना, तो 25, चल कितना आता है टोटल 27, लेट्स चेक दैट, आ जाओ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, कैपिटल रिटर्न्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एंड वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू, ओके, ये तेरा कैपिटल रिटर्न आया। अब मैं इसमें एक और चीज प्लस कर रहा हूं, विच इज योर डिविडेंड, एंडिंग वैल्यू मतलब एक पोर्शन कैपिटल का हुआ और दूसरा डिविडेंड, और मैं ये तीनों को डिवाइड कर रहा हूं बिगनिंग वैल्यू से मल्टीप्लाइड बाय 100। तुमको समझा क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया मैं, डिवाइड बाय बिगनिंग वैल्यू। चलो आ जाओ, प्लीज हेल्प मी, एंडिंग वैल्यू कितना था 25, बराबर ना, ये मेरे को 25 मिला, माइनस 20 डॉलर्स,
ये पहला कैलकुलेशन है, प्लस डिविडेंड कितना मिला? 20 बराबर कितने के इन्वेस्टमेंट पे? 1000। अब मैं तुमको एक बात बताऊं, ये मैंने रॉन्ग लिखा है, बताओ मेरे को इसमें रॉन्ग क्या, बताओ। सर हमने पर शेयर प्राइस लिया है, टोटल प्राइस लेना चाहिए था। वेरी गुड चलो सुपर। तो मुझे क्या लेना चाहिए यहाँ पे? मुझे लेना चाहिए सबसे पहला, मैं कैलकुलेशन में जानबूझ के बड़ा लिख रहा हूँ, 50 × 25। दीप ते हो क्या हुआ, तो क्यों कंफ्यूज दिख रहा है, बराबर ना? ये एंडिंग वैल्यू ये 50 × 20 = 20। ओके ये तेरा डब्बा बना पहला, इतना कंफर्म सबको। यहाँ पे जो 20 रुपया मिला था दैट वॉज टोटल अमाउंट ऑन 1000 रुपीज, तो मैं इसको 20 अलग से प्लस करूंगा, डिवाइड बाय व्हाट? चल बोल, 1000 बराबर डिवाइड बाय 1000। चलो प्लीज हेल्प मी, ये आएगा 1250 माइनस 1000 प्लस $20 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। इफ यू डू दिस तेरे को 27% आएगा। चेक करो प्लीज। और एक और चीज मैं बताता हूँ पिंक पेन से लिख के, कि अगर तुम 27 को डिवाइड करोगे तो तुम्हारा जो 25% था ये तेरा कैपिटल रिटर्न आया था, और ये जो तेरा 2% आया था वो तेरा इनकम रिटर्न आया था। चल पहले सबको ये समझ में आया कैसे निकाला मैंने ये? हेलो, यस सर, किसी को डाउट? सम में दिया होगा अच्छे से। ओके इसके बाद बुक रीडिंग सब बाकी है ना। प्राजक्ता समझाइए, प्राजक्ता, स्निग्धा, चलो स्नेहा, चलो तू कुछ रहमत पूछ। ये कोई पूछ रहा था क्या? जब क्या बाबू? सर इफ यू सी दिस फॉर्मूला, end value, beginning value plus dividend, sir. Here and down, beginning value is 1000, but above it's like 15 × 20. How is it possible, sir? Prabhu, सुबह सुबह अपना कुछ maths के लिए डिशम हुआ था, फिर से डिशम हुआ है। Prabhu, this 1000 rupees is a investment. बराबर है? हाँ sir. क्या मिला? 50 shares मिला? हाँ sir. का एक share. तो यही कैलकुलेशन। ओके सर। प्रभु इज नाउ स्कैर्ड, अभी मैं पूछेगा ये क्या करेगा मेरा। हाँ बोलो मैथिली। आपने वो पर शेयर वाला क्यों नहीं लिया, लाइक जो आप पहले लिख रहे थे वो? पर शेयर भी ले सकते हैं, बताऊं पर शेयर? चलो एक काम करो, 20 पता नहीं सर, एक्सक्यूज मी, ये पता नहीं कैलकुलेशन मेरे से गलत हो रहा है, मतलब परसेंटेज कुछ और आ रहा है सर। बता दो कौन सा? ये यस 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 सर, 50 × 25 1250। चेक करो, हां 1250, 50 × 20 विल बी 1000, करेक्ट, प्लस 20, यस, तो 1250 माइनस 1020 प्लस 20, या 1250 माइनस 1020, करेक्ट। क्या है सर, सर आंसर? 1000 + 20 कर दे, और फिर 20 नहीं सर, आप ना क्या करो पता है, उल्टा पुल्टा कर दो। पहले आप सिंपल सा एक कैलकुलेशन कर दो, 1250 − 1000, यस करेक्ट, प्लस 20, ओके गॉट इट, ठीक है, बोर्ड मासी भूल गया है काउंटिंग करते चलेगा। प्लीज एक कंफ्यूजन में तुम्हारा दूर करता हूँ, सब लोग ध्यान दो, ये आई थिंक हो सकता है, ये जो 20 था आपका, ये 20 आपका टोटल डिविडेंड था ऑन 1000, बराबर ना? अब मैं तुमको एक क्या करता हूँ, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमको पूछूं कि तुम्हारा पर शेयर डिविडेंड कितना था तो क्या आंसर दोगे?
तो तुम बोलोगे सर फिफ्टी डिवाइड बाय पचास, पचास के पास पचास की जैसे आया नंबर ऑफ शेयर्स बता बता, तो कितना आया ये ट्वेंटी डिवाइड बाय फाइव जीरो पॉइंट फोर, ठीक है। अभी आराम से ध्यान से सब लोग सुनो, अब मैं पर शेयर वाइज ले रहा हूं, ओके। पहला प्राइस कितना था ट्वेंटी फाइव, फिर कितना हुआ माइनस ट्वेंटी प्लस पॉइंट टू फोर, सॉरी प्लस पॉइंट फोर डिवाइड बाय ट्वेंटी करो, यू विल गेट द सेम आंसर। चेक करो मैं झूठ नहीं बोल रहा। सेम हाँ, हाँ सर अभी आया, मैं तो अभी आया सर। हाँ। सर एक्चुअली ये जो आपने ये कैलकुलेशन दिखाया ना 0.4 उसके बाद 27 आया, वरना 20 अपॉन 1000 वाला करता ना तो नहीं आया। तो बेटा ये जोड़ना ही तेको पड़ेगा ना, ये जब तू पर शेयर नहीं डिविडेंड सुन ना मेथी, तू क्या कर दी पता है, तू 20 प्लस कर दी बेटा, 20 तो टोटल डिविडेंड हो गया ना, समझी। इसको लिखो या हटा दो, इसको लिख के रखो सर एक मिनट, वो 20 अपॉन 50 का लिख देना। एक काम बोलना, कौन सा बोल रही है, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बराबर ना, 20 टोटल डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर्स। ये आगे सब आने वाला, तुम लोग पता नहीं आज आज के दिन पूरा चैप्टर सब पढ़ लोगे ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। बहरहाल हम पढ़ा देंगे सर, अगर शेयर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिविडेंड, ए भाई नहीं नहीं रोहित ये सब बात अभी नहीं करने का, अभी सिर्फ बेसिक समझ, आगे सब आने वाला। एक एक सिक्योरिटी का तुमको सब सब मतलब बताऊंगा। एक एग्जाम्पल करना चाहोगे मेरे साथ सॉल्व, मेरे साथ नहीं पहले तुम करोगे। चलो एक इन्वेस्टर है जिसका नाम अमोल है, ओके। अमोल ने $1000 का इन्वेस्टमेंट किया था, ओके। जिसके जिसको उसके पास 500 शेयर्स थे, तो मुझे एक बात बताओ एक शेयर उसको कितने का पड़ा। कितना पॉइंट फाइव, तो इसके साथ कल बैठा था क्या? ₹2 वेरी गुड, यू गाइस आर सो स्मार्ट, आई एम क्लैपिंग फॉर यू माय फ्रेंड्स। चलो कितना खुश हो रहा है। इस इन्वेस्टमेंट का दाम ना 1700 हो गया, कभी ऑन 31/12/2022, बराबर है। अब मैं जो बोल रहा हूं कान खोल के सुन, उसको डिविडेंड मिला, देखता हूं कितने लोगों को ये सही आता, $0.5 पर शेयर। What I want shareholders returns. सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे shareholder returns कितना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सॉल्व करवाऊंगा लेकिन तुम पहले ट्राई करो, चलो जल्दी। समीर आपने कुछ तो गड़बड़ किया है, आपने एक जीरो एक्स्ट्रा डाल दिया शायद, फिर भी आंसर रॉन्ग, नहीं नहीं सही है, एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया। चलो गाइस कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू इन चैट बॉक्स, आ जाओ। अमित सर आपने भी समीर के साथ सेम मिस्टेक किया, आप लोग एक बहुत बहुत ही बेसिक सा मिस्टेक कर रहे हो, प्लीज आप दोनों चेक कीजिए। गुड रोहित,
मैं तो कर सत्रह सो इज अ टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू और ये भी 1000 इज टोटल इन्वेस्टमेंट. देखो कैपिटल रिटर्न्स आया कि नहीं आया, कैसे आएगा? 1700 माइनस 1000, 700 डिवाइड बाय 1000, कितना आया? 70% आया रिटर्न्स. ठीक है बताता हूँ गाइस, देयर आर 21 पीपल सिटिंग ऑनलाइन एंड ओनली 3 हैव गिवन द आंसर. रॉन्ग होगा प्लीज चलेगा, रॉन्ग होगा चलेगा, मैं संभाल लूंगा. गुड स्नेहा, रॉन्ग होगा मैं संभाल लूंगा, बट आई वॉन्ट, एटलीस्ट आई वॉन्ट आंसर. चलो मेरे को उसके पहले ना तुमको कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी, कंफ्यूजन बहुत लोग को ये एक होता है. चलो आ जाओ देखो, पहले मैं तुमको ना एक बच्चे जैसा एक चीज सिखा रहा हूं. अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कोई एक बंदा है जिसके पास 500 शेयर्स है, ओके, उसने वो शेयर्स $20 के लिए है, तो ये टोटल कितना आएगा? 10,000. बराबर ना? अब रहमत ध्यान से समझ, दिस 500 आर नंबर ऑफ शेयर्स. बराबर है, दिस 20 इज प्राइस पर शेयर. ठीक है, ये जो अमाउंट आता है दिस इज कॉल्ड एज टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू. बराबर, अभी इस सब में मैंने क्या किया था, ऊपर का जो दोनों दिया है वो मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है, बट जो मैंने तुमको डिविडेंड दे दिया ना वो पर शेयर दे दिया. पहले एक बात बताओ, कैपिटल रिटर्न्स निकालना सिंपल है कि नहीं? सिंपल है एकदम. चलो लेट्स कैलकुलेट दैट कैपिटल रिटर्न्स. कैपिटल रिटर्न, ये प्रियंका तेरे पास कैलसी है कि नहीं? प्रियंका अभी 12th का एग्जाम दिया. प्रियंका? यस सर. बेटा कैलसी है तेरे पास? हाँ. अच्छा ठीक है, तो काय को नहीं दिया आंसर फिर? चला जा, 1700 माइनस 1000, देखो समझा क्या किया, टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू लिया पर शेयर नहीं, इस डिवाइड बाय हाउ मच? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल गिव यू 70%. बराबर, चलो दूसरा मैं निकालता हूं इनकम रिटर्न्स. इनकम रिटर्न्स, इनकम रिटर्न्स में अब मेरी बात समझ, तुम्हारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम होना चाहिए वैल्यू में. मतलब अगर ऊपर पर शेयर है तो नीचे भी पर शेयर ही होना चाहिए. अभी एग्जांपल, इफ यू नोटिस यहां पे तुमने देखा होगा तो मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू लिया, हेलो, बराबर, और मैंने डिनोमिनेटर में भी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू ही लिया. आई होप तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूं. तो अगर मेरे को एक बात बताओ समीर, अच्छा ठीक है ओके, तो मैं तुमको बोल रहा हूं अगर ये टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है तो मेरे को एक बात बताओ, इनकम रिटर्न्स में मैंने क्या बोला था? 0.5 पर शेयर, ये पर शेयर है. तो एक बात बताओ डिनोमिनेटर में कितना लिखो? ये पर शेयर है तो डिनोमिनेटर में कितना लिखो? 500. एक शेयर कितने का? एक शेयर कितने का? तो नीचे में ₹2 लिखो. 40 देखो भी समझा, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट. अगर ये पर शेयर दिया है तो मैं इसको भी पर शेयर में ही लिखूंगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं, कोई मेरे को बोल रहा है ₹2, तो ये कितना आया? ये आया आपका 25.5% आया, करेक्ट है. अब मेरी बात प्लीज ध्यान से समझना, मैं इसको एक और एंगल से लिख सकता हूं. कैसे? देखो ध्यान से देखो, एक ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है मेरे से. चलो अब मैं क्या कर रहा हूं बताए, अगर मैं 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 500 करूं, मेरे को ऑनेस्टली बताना मैंने क्या किया. ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया मेरे, नहीं टोटल डिविडेंड हो गया, टोटल डिविडेंड हुआ.
चलो अभी अगर मैं बोल रहा हूँ टोटल डिविडेंड है तो कैन आई से नीचे मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट आना चाहिए 1000 पे मेरे को मिला मल्टीप्लाइड बाय 100 करो यू विल गेट द सेम अमाउंट 25%। सबको समझ रहा मैं क्या किया? अगर मैं पर शेयर ले रहा हूं तो नीचे भी पर शेयर ही आएगा, ऊपर अगर टोटल ले रहा हूं तो नीचे भी टोटल ही आएगा। तुझे क्या हो गया? बट अभी समझाना। चलो अभी फाइनली अपन शेयर होल्डर्स रिटर्न, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? अभी समझ गया सर, वो बेसिकली हम लोगों ने टोटल वैल्यू दे दिया था 950। आपका टोटल राइट था, आपने जीरो एक एक्स्ट्रा नहीं 950 हमने टोटल वैल्यू दे दिया था, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो वो 95 हो जाता। करेक्ट समीर, आपका भी सेम मिस्टेक था? यस सर। यस चलो एंडिंग वैल्यू माइनस माइनस ओपनिंग वैल्यू। यस क्या हो गया, तू कभी उठा था आज सुबह? इसलिए था नींद में क्या? कॉलेज गया था क्या? सुनो जो लोग भी यहाँ पे बैठे हैं सुनिए, मंडे स्कॉलरशिप का मैं लेक्चर ले रहा हूँ, हाउ टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। ऋषभ शिंदे लेगा, मेरा स्टूडेंट है। ओके चलो, एंडिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय, बोल ओपनिंग वैल्यू बता बना। एक काम करते दोनों में से निकाले, पर शेयर भी निकालते हैं बराबर, पर शेयर भी निकालते हैं और टोटल भी निकालते हैं। आ जाओ सबसे पहले टोटल वैसे निकालते हैं। टोटल वैल्यू एंड वैल्यू कितना था? 1700 माइनस 1000 प्लस, प्लीज मेरी बात समझना, वो पर शेयर दिया था, इसको मेरे को टोटल अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? 500 शेयर्स बाय नंबर ऑफ शेयर्स ना, 500 अभी तो किया था ऊपर, डिवाइड बाय बोल 1000 डिवाइड बाय 1000 कितना आता है? क्या? हाँ ले 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 ले, तू जीवन में खुश रहे बस, 950 नहीं रहे 95%। वही 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 किसका बोल रहा था? मुंबई के वहां में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? तो ऐसा क्यों होता है? उसको शेयर में डिफरेंस समझ नहीं, इसको 950 दिख रहा है और कुछ लोग को मैं आज अच्छा दिख रहा हूँ, तो मेरे को वो डाउट आ रहा है। अगर बोलेगा शेयर होल्डर रिटर्न्स निकालने को पूरा ही कैपिटल रिटर्न, ऑब्वियसली अगर वो नहीं भी निकालेगा तो चलेगा, तो डायरेक्टली भी तो फॉर्मूला लगा ना सर, डायरेक्ट प्लस ही कर दो ना दोनों। हाँ सही बात है, दोनों प्लस कर सकता है, लेकिन क्या करेगा देवांशी, तुमको एग्जाम में पूछेगा तो ये दोनों मत निकालते बैठना भाई, सीधा फॉर्मूला लगाना। हाँ हाँ सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना। कितना आता है बोलो? 95% आया, पब्लिक बोलता भी नहीं। ठीक है चलो, पर शेयर के हिसाब से निकाले। चलो पर शेयर के हिसाब से नहीं, नहीं ये टोटल अमाउंट बोलो। चलो अगर 170 हुआ तो पर शेयर का वैल्यू कितना हुआ बता? 1700 डिवाइड बाय 500 कितना आता है? 3.4 चेक करो, 1700 3.4 आया। सो मैं व्हाट आई एम डूइंग प्लीज सी, 3.4 माइनस 2 प्लस डिविडेंड पर शेयर ही था, मैं 0.5 ही ले रहा हूँ। ओके समझा गया बड़ो? नेक्स्ट डिवाइड बाय 2, वेरी गुड, पर शेयर ले रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 सेम आएगा, देखो 95% सेम आएगा, 95% आया। एग्जाम में अगर तुमको पूछा प्लीज प्लीज अडॉप्ट दिस मेथड ओनली, टोटल पे लेना बराबर। चलो अब मैं तुमको 1% बोल रहा हूँ, सॉरी एक मिनट तुमको स्लाइड दिखा रहा हूँ, एनी डाउट इफ यू हैव इन दिस 3 स्लाइड्स प्लीज आस्क मी। हर स्लाइड को मैं 30 सेकंड के लिए रखूंगा, देन आई विल स्टार्ट।
चलो गाइस स्टार्ट करो, बोलो ना। यस सर। चलो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स। आ जाओ आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स। चलो पहले ना एक चीज मेरी बात समझो, एक डीम्ड अजम्पशन तुमको बता रहा हूं। अजम्पशन ये है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। जब भी कोई अजम्पशन लो मैं ऐसा बोल रहा हूं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब तक आपको सम में कोई चीज ना दिया हो, ऑलवेज ट्रीट, क्या ली, ऑलवेज ट्रीट परसेंटेज एज पर एनम। मतलब सम में अगर तुमको कुछ भी नहीं बोला यू विल ऑलवेज ट्रीट दिस परसेंटेज एज अ पर एनम। मैं तुमको क्लासिक एग्जांपल देता हूं, तुमको पता है कभी भी कोई क्रेडिट कार्ड बेचेगा ना और तुम बोलेगा अगर डिले हो गया तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मारेगा, तो वो क्या बोलता है पता है, खुशी खुशी सर 2% ही है बस। लेकिन वो आगे एक सेंटेंस स्टेटमेंट बोलना भूल जाता है, वो पर मंथ होता है, मतलब एक्चुअली यू आर पेइंग 24%। सम में कभी तुमको कुछ भी नहीं बोला ये बहुत कम आएगा, प्लीज ध्यान देना। ट्रीट परसेंटेज एज अ पर एनम, कुछ भी नहीं बोला तो पर एनम ही आएगा। ओके अब मैं तुम्हारे लिए ना एक सम बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। सेम लेट्स से एक स्नेहा नाम की इन्वेस्टर है, ओके स्नेहा ने एक शेयर लिया था $500 का, $1,000 का, दिस इज अ टोटल इन्वेस्टमेंट, बराबर। ये था ओपनिंग 1/1/2023 पे, बराबर। लेकिन अब उसने क्या किया, स्नेहा ने ये इन्वेस्टमेंट 1200 में बेच दिया, लेकिन कभी बेचा पता है वो 30/6/2023 को, जो तुम्हारी बुक्स में सम है ना, मैं वही सम सिखा रहा हूं ताकि जब तुम खुद से भी पढ़ो तो तुमको समझ में। ओके ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई तुम कैपिटल रिटर्न निकालोगे तो वो तुम्हारा कैपिटल रिटर्न 6 महीने का आएगा या 12 महीने का आएगा? 6 महीने का ना, 6 महीने का ही आएगा ना, बिकॉज तुमने सिक्योरिटी जो शेयर था तुम्हारा कितने टर्म के लिए होल्ड किया था, 6 महीने के लिए। ओके अब मैं तुमको एक और चीज मतलब उसको बीच में डिविडेंड भी मिल गया, इस 6 महीने के बीच में शी गॉट डिविडेंड ऑल्सो, बराबर। लेट्स से उसको टोटल डिविडेंड मिला 125, बराबर। 6 महीने का डिविडेंड मिल गया, मतलब कंपनी उसको साल में 2 बार डिविडेंड देता। ओके अब मैं तुमसे एक चीज एक्सपेक्ट करता हूं, शेयर होल्डर्स रिटर्न। चलो स्टार्ट करो, शेयर होल्डर रिटर्न्स। देवांशी इतनी एक्सपर्ट तो कैसे हो सकती है, रुक जा थोड़ा। 32.5 सर, चैट बॉक्स में कीजिए ना सर, बेचारे छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ रहे। राहुल बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है, प्लीज चेक करो। गुड से यहाँ राइट, गुड मुस्कान, गुड यमनिका, चलो आ जाओ सिंपल सा कैलकुलेशन लेकर। ओके रोहित यू आर वेरी गुड, रोहित वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो तूने कभी अपनी फैमिली में लेक्चर दिखाया कि मैं कितना तेरा सम्मान होता है, मान सम्मान होता है क्लास में? नहीं
कॉल का रिकॉर्डिंग सुना है किसी को कितना कितना सम्मान जनित मेरे को आंसर देता है नहीं ए मैत्री मल्टीप्लाइड बाय 100 चलो प्लस 125 तुम लोग को ऐसे नहीं लगता मैत्री बिहेव्स मोर इंटेलिजेंट व्हेन शी सिट्स ऑनलाइन मैत्री तो ऑनलाइन ही आएगा ओके सर तो ऐसे रो क्यों रही है हंस रही थी कि मैंने तो गड़बड़ किया क्या मैथ्री ने मल्टीप्लाई 100 नहीं किया चलो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आता है बोलो 32.5 बता बना बट प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो ओके मैं 32.5 लिख तो दूंगा बट प्लीज एक चीज याद रखना कि ये जो तुमको रिटर्न्स मिल रहा है ना इट इज ओनली फॉर 6 मंथ्स आई होप तुमको समझा हेलो क्या तुमको ये बात नहीं समझी सर अब इसे एनालाइज करना पड़ेगा सुपर्ब सर वेरी गुड 6 महीने के लिए लेकिन मैंने क्या बोला कभी भी जो परसेंटेज आप देते हो दिस शुड बी एनुअल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड अब एक बात बताओ अगर ये 6 महीने का तो अपने को क्या करना पड़ेगा इनटू 2 कर देने का 12 मंथ के लिए डिवाइड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये कितना आएगा ये तुम्हारा आएगा 65% ऑब्वियसली हाँ हाँ ऑब्वियसली अभी चल अभी अभी मैं तुम लोगों को एक और चीज बोलता हूँ मेरे को ना अमोल ने एक चीज बोला सर ये अगर 3 मंथ्स का होता तो क्या इस पूरे कैलकुलेशन में क्या चेंज होता सर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सुपर अगर ये मेरे को क्वार्टरली बोलता ना कि अगर 31 मार्च का डेट उसने दिया 3 महीने का ही है तो अमोल मैं इसको चेंज करता 2 का 4 हो जाता बिकॉज क्वार्टर ना क्वार्टर्स ना तो हतो हंस क्यों रहा है तो क्वार्टर्स में ऐसा बोलता ना ऐसा थोड़ी बोलता दैट इज फुल सर ए प्रभु इधर मासूम बच्चा लोग पढ़ता है कुछ लोग तो 18 भी नहीं है अभी तक दे नो मच बेटर देन अस वही तो बोला इधर 100 ml इधर मारेगा चलो अमित सर हाय हाउ आर यू मैं हंस रहा हूँ सर 1200 माइनस 1000 प्लस 125 यू आर ये सबको आया समझ में होल्डिंग पेयर्स आया समझ में जितने मंथ का बोलेगा उससे तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर ये मंथली होता तो मल्टीप्लाइड बाय 12 क्वार्टरली बोलता तो मल्टीप्लाइड बाय 4 ये हाफ ईयरली था तो क्या किया मल्टीप्लाइड बाय 2 इतना समझा क्या पर ऐसा करना जरूरी क्यों है सर ऐसा क्योंकि सम बोलता है आगे आएगा पर सब बताएगा हर एक सिक्योरिटी का डिटेल्ड में कैलकुलेशन है रोहित थोड़ा तो रुकना ओके ओके हमेशा नहीं लॉजिकली है ना 3-3 महीने का 4 होता है अगर क्वार्टरली होता तो 4 कह लेता मुंबई की हवा में अलग ही नशा चालू है ए मैं अहमदाबाद ही आऊंगा नेक्स्ट वीक से क्या क्या तीन महीने का होगा तो 4 होगा ना बेटा 3 महीना 1 3 महीना 4 3 महीना 9 फिर 3 महीना 12 तो मल्टीप्लाई बाय 4 ही होगा ना अगर क्वार्टरली हुआ तो सर 3 4 12 बताओ नहीं नहीं तो चुप ये ऐसी नहीं थी पहले सर 4 पीस का पिज्जा सर तो 6 महीने का किया था ना तो 6 महीने 1 6 महीना तो उसको 6 महीने का मिल रहा ये मानसी इसको साथ में लिख लेके जा रहे आज रहमत भाई तेरे से एक्सपेक्ट नहीं करता मैं क्या पूछ रही है तू चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं थर्ड सिखा दो एक तुम लोग क्या कैसी बजा रहे हो सब बजा रहे हो स्टेटेड रेट हाँ नहीं ना बेटा ये होल्डिंग पीरियड सेकंड था ना ऊपर वाला शेयरलेस रिटर्न फर्स्ट था चलो स्टेटेड रेट अब मेरी बात सुनो स्टेटेड रेट किसको बोलते हैं ध्यान से मेरी बात सुनो
लेट्स से कंपनी, तुम लोग ने सबने कभी ना कभी डिबेंचर्स सुना होगा, बताओ ना डिबेंचर्स, 12th वालों बताओ ना, टीवाई वालों और प्रोफेशनल लोगों जो लोग अभी तक कंफ्यूज है क्वार्टर कितना होता है। अरे ठीक है रे, क्वार्टर मतलब चार महीना होता है, सॉरी तीन महीना होता है सर। हाँ लेकिन ओसी तो था ना। हाँ तो क्या होता है दी? एक मिनट को मैं सब बताता हूँ आराम से। चलो आ जाओ, एक चीज देखते डिबेंचर्स क्या होते हैं मालूम है। किसी कंपनी ने बाहर वालों से लोन लिया उसको अपन बोलते हैं डिबेंचर्स। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये डिबेंचर्स है और डिबेंचर पे हमेशा कंपनी को देना पड़ता है इंटरेस्ट, बराबर है डिबेंचर। अभी जब कंपनी डिबेंचर बेच रहा था तो कंपनी ने सीधा लिख के रखा है ये डिबेंचर 6% पे आएगा। मतलब अगर जिसने भी ये डिबेंचर्स लिया मैं उसको 6% रिटर्न दूंगा। दिस 6% ऑन द रिटर्न डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज स्टेटेड रेट। सर ये तो बॉन्ड ही है ना सर। हाँ बॉन्ड में, ये आगे सब पढ़ाऊंगा, अभी बच्चे लोग ना इसलिए ठीक है सर। ओके स्टेटेड, स्टेटेड रेट्स कैन नेवर चेंज। मतलब जो एक बार लिख दिया ना वो हो गया पत्थर की लकीर। अभी तुमको कोई पूछेगा कि स्टेटेड रेट कैसे निकालने का तो बोलेगा ये ले, स्टेटेड रेट ऑलरेडी छप के आता है, मतलब तुम स्टेटेड रेट का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अभी अगर मैं कोई बॉन्ड इशू करता हूँ और मैंने उसमें बॉन्ड भी आगे बताऊंगा क्या होता है, 6% पे इशू करता हूँ या 7% पे इशू करता हूँ, दिस इज स्टेटेड रेट। स्टेटेड रेट मतलब रजिस्टर्ड रेट, लिखा हुआ रेट। अभी तुमको कोई क्वेश्चन पूछा तो हमेशा ये बोलने का स्टेटेड रेट इज ऑलवेज विदाउट एनी एडजस्टमेंट। तुम समझा मैं क्या बोला, इट इज विदाउट एनी एडजस्टमेंट। स्टेटेड रेट कभी भी एडजस्टमेंट नहीं लेके आता। तो हाउ टू कैलकुलेट स्टेटेड रेट, इसका कैलकुलेशन होता ही नहीं, ये छप के आता। सर आप पिक्स का कितना रिटर्न दोगे वो बताओ। अबे साले सबको मालिक ही बनने का है इसका। चलो ये आया समझ में बराबर। चलो अभी नेक्स्ट पे जाता हूँ, चौथे पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आएगा तुमको, सीखने के सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट सिखा रहा हूं मैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। आ जाओ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बराबर। चलो अब ना मैं एज अ शेयर होल्डर नहीं बात करूंगा, मैं एक कंपनी हूं। ओके मैं उस लेवल से बात करेगा। लेट्स एक बार एग्जांपल, थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक डिबेंचर है, एक डिबेंचर है जिसको मैं इशू करने वाला हूं और इसका फेस वैल्यू $1,000। पहले क्या समझा, 1,000। अब मैं तुमको क्या बोल रहा समझ, 10,000। और मैं इस पे समित बोथा सिंह, ओके अब मैं तुमको बोल रहा हूं कि मैं इस पे इंटरेस्ट दूंगा एट द रेट 10%। तो कितना इंटरेस्ट आएगा, 1,000। सालो 1,000 तो बोल ही नहीं रहा, सबने कैसे उठाया था 10,000 में से एक जीरो निकाल दो ना, बराबर। ए तू भी कैसे यूज किया उसको मत देख। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, लेकिन ये डिबेंचर्स इशू करने के साथ साथ ना मेरे को थोड़े से ना यार रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग गए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग गया 750। और मैं जहां पे सबमिट मतलब किसी अथॉरिटी को मैंने डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस दिए, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस दिए और वो आया ₹500। ठीक है अब मेरी बात आराम से सुनो। सवाल मेरा तुमसे ये है, क्या कंपनी
के जेब से सिर्फ 10% ज्यादा आएगा। कॉमन सेंस से पूछो ऑनलाइन वालों, 21 लोग हो तुम लोग, बोलो जल्दी, 21 नहीं 23 हो गए अभी, बोलो। तुम्हारे चार्जेस भी जा रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी जा रहे हैं, तुम्हारे जेब से एक अलग पैसा भी गया रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट, मतलब कहना ही से तुम्हारे जेब से 10% से ऊपर ही गया। अच्छा बराबर है, चलो अब मैं एक बात बताऊ, तुम्हारे जेब से एक्चुअली कितना कितना गया पहले बताओ, मतलब तुम्हारे जेब से इंटरेस्ट कितना चुकाना पड़ेगा? 1000 ना, पहले पहले इनिशियली 1000 है। हाँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, मैं पहले 1000 लिख रहा हूँ, अब ये 1000 आया कैसे, तो मैं बोलूंगा 10,000 डिवाइड बाय 10%, इतना सबको क्लियर? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये आया क्या समझ में? दिस इज नंबर वन। दूसरा मैं बोलूंगा यार 1000 में दे तो रहा हूँ, लेकिन ये 1000 देने के लिए ना सबसे पहले 10,000 मेरे को मिला था, लेकिन उसमें से मैंने 750 खर्चा कर डाला बराबर, और प्लस उसमें से मैंने और भी कोई चीज खर्चे की है, कौन सा खर्चा किया? 500। ओके, अब मेरी बात समझना, मैंने क्या किया, इस पूरा जो अमाउंट था, ये पूरा जो अमाउंट था, इसको बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। क्या बोलते हैं इसको? नेट प्रोसीड्स। अभी नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है? जब तूने डिबेंचर इशू किया होगा ना, तो तेरे को सारे शेयर होल्डर्स ने या तो डिबेंचर होल्डर्स ने मिल के दिया होगा 10,000 बराबर है, लेकिन 10,000 मिलने के बाद ना तेरे जेब से क्या हुआ? 750 गया, फिर 500 तूने दिया, तो तेरे जेब में एक्चुअल कितना बचा? इनका जो नेट इंपैक्ट आएगा वो बचा, नहीं समझे? हाँ, जब मेरे को पैसा मिला, जैसे मैं कंपनी, मैंने 10,000 का, तूने मेरे को दे दिया 10,000, अब मैं क्या करूँगा पता? 10,000 में 750 मैंने रजिस्ट्रेशन का फीस दिया, फिर 500 का दिया, मतलब मेरे को पैसा मिला। तो अब एक बात बताओ, अरे तुम्हारा एग्जांपल लो ना, तुम लोग मेरे को फीस देता है, फीस के पहले बुक 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 मिला है क्या? बता रहे सर, नहीं ना, 10 पे ना। हाँ, अभी एक बात बताओ, सुन बता बता, आराम से थोड़ा शांति रखेंगे सब लोग। अभी मैं क्या क्या बोल रहा हूँ सुन, तुम लोग मेरे को फीस देता है 60,000 बराबर, तुम्हें पहले क्या देता है? तुम फीस देता है तुम्हें, फिर कांति भाई को देता है पैसा, कांति भाई को, तुम दोनों ही देता है कभी कभी तो राइट ना, तो मैं क्या करता हूँ पता है? मेरे को पैसा मिला, उसमें से बुक लिया, तुम्हारा लॉग इन एक्सेस का पैसा गया, तो जो जाके बसता है वो मेरे जेब में चाहता है ना, ऐसे तुम लोग देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो तुमको समझा मत, वो क्या पता है मेरे लिए? वो नेट प्रोसीड्स हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पैसा मेरे जेब में गया। तुमको ये समझा? क्या मैं तेरे को ये बोल सकता हूँ क्या कि तेरे पैसे से मैं लाइट का बिल भरा? वो नहीं है, तेरे से पैसा मिला, तेरे बुक का पैसा गया, लॉगिन का पैसा गया, तो जाके जो मिला वो मेरा पैसा है। इसीलिए कंपनी क्या किया, 10,000 लिया, 10,000 मिलने के बाद 750 500। अब मेरा सवाल तुमसे बहुत सिंपल है, क्या तुमको डिबेंचर होल्डर ऐसा बोलेगा क्या, ओ एक काम करो, मैं जब पैसा दिया ना उसमें से खर्चे हटा दो, जो बचेगा उस पे मेरे को इंटरेस्ट दे देना, वो मानेगा क्या? वो बोलेगा मेरे सिर पे कुछ क्या बोले? नहीं सर, अरे मैं 10,000 मिला मेरे को, क्या डिबेंचर होल्डर जिसने तुमको पैसा दिया है वो ऐसा बोलेगा क्या? अरे सर एक काम करो ना, सब खर्चे कर लो, जो बचेगा उस पे मेरे को इंटरेस्ट देना, वो मान जाएगा क्या? नहीं 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 मानेगा ना, वो क्या बोलेगा? मैंने 10,000 दिया था, मुझे 10% चाहिए, बराबर ना? सुस्त। हाँ चलो तो करो, ये कितना आता है बोलो? अरे ये 750 डिवाइड बाय 8750 हाँ हाँ, मार लो हमका, मार लो सब लोग आज 8750 इससे पहले 880 बोला था। कैसे कैसे, मतलब दुख होता है मेरे को कभी कभी। कितना आया? 11.42 बस, पागल है क्या? कुछ भी, अरे ये निकालना। हाँ 11.42 राइट है। कितना यश देखो क्या हो गया रे, 11.43 बस। चलो एक सम करो, एक सॉरी एक सम दो और,
ठीक है चलो आ जाओ, चलो एक सम करेंगे हम, रहमत इसमें डाउट पूछ के देख बस एक बार, टांडो होगा आज। चलो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, एक कंपनी है ठीक है, उसने $20,000 का बॉन्ड्स इशू किए, अगर इसमें रॉन्ग हो तो तुम लोग गया, ₹1,000 ईच बॉन्ड है, ठीक है बराबर, इंटरेस्ट वो देने वाला है ₹200 पर बॉन्ड, बराबर चलो, इसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, मतलब कंपनी हैज इनकर्ड सम फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 5%, व्हाट इज इफेक्टिव एनुअल रेट, व्हाट इज इफेक्टिव एनुअल रेट, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या बोले आप, मतलब जो कॉस्ट गया, मतलब 5% टोटल, मतलब 20,000 में 5% कॉस्ट गया, मतलब इशू करने के बाद तेरा ये सब कॉस्टिंग है इतना, चलो लग जाओ काम, चैट बॉक्स में सब आंसर देंगे, एक चीज बताता हूं मैं क्या क्या बोल रहा हूं, ये जो दोनों एक्सपेंस हुआ इसको ही फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, प्रियंका बेटा समझ, फ्लोटेशन कॉस्ट पर बॉन्ड है या टोटल है, टोटल टोटल, प्रियंका समझ रही है ना, यस सर समझ रही है ना, हाँ इसका हाँ ऐसा नहीं लगा क्वेश्चन में, हाँ परसेंट तो अपना बता ना आंसर, हस्ती क्या है, भाई लोग जो लोग भी 20% दे रहे हैं प्लीज अंडरस्टैंड ये रॉन्ग आंसर है, 21% सर, हाँ नहीं नहीं कुछ लोगों ने 20% लिखा है इसके लिए, मुस्कान तुम मिस्टेक कर रहा है, मुस्कान बेटा तूने फ्लोटेशन कॉस्ट का इम्पैक्ट नहीं दिया, चलो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालता हूँ, मेरी बात समझना, वो इंटरेस्ट पर बॉन्ड बोला था, मेरे को टोटल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, दो चॉइस है, या तो मैं पर शेयर के हिसाब से निकालू या तो टोटल के हिसाब से निकालू, तुम लोग बताओ किससे निकालू, मैं पर शेयर भी निकाल सकता हूँ, इशू नहीं है, टोटल निकाल, चलो आ जाओ, तो कैन आई से दिस कैलकुलेशन विल बी समथिंग लाइक दिस, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20 होगा तभी जाके ये 20 आया होगा, करेक्ट है बराबर ना, चलो तो मैं यहाँ पे तुमको बोल रहा हूँ 20,000 पहला मल्टीप्लाइड बाय कुछ लिख सकता हूँ क्या, फाइव परसेंट
क्या लिखूंगा पता है, 200 मल्टीप्लाइड बाय 20, बता बता नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बता बता तू इतना दुखी क्यों है रे। चलो सबसे पहला क्या आएगा, फिर यहाँ पे 20,000 माइनस 5%, चलो 200 मल्टीप्लाइड बाय 20 4000 डिवाइड बाय कैलसी, जो लोग नए हैं प्लीज मेरी बात समझो, कैलसी पे 20,000 लिखो, मल्टीप्लाइड बाय 5% दबाओ और माइनस इक्वल टू दबाओ, ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय 5% माइनस इक्वल टू क्या आया, 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आता, 21.05। चलो इज इट डन, मैं कुछ मिस्टेक हुआ था तो क्या, कुछ तो पॉइंट किया था तू, क्या किया था बोल ना, नहीं बोल बोलिए, यही ये भी वही बोला सर, मिस्टेक सुनोगे तो झूठा फेंक के मारोगे मुझे, क्या आपका भी सेम विचार है, ठीक है, नहीं मैं जूता नहीं मारेगा क्योंकि मैं जूता बहुत सॉफ्ट वाला जो है, हाँ अच्छा जूते का 200 into 20 कैसे है, क्या क्या ये बोल रही है, 200 into 20 कैसे है प्रियंका, देख सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, इंटरेस्ट चाहिए प्रियंका, यस प्रियंका 200 कौन था ना एक बॉन्ड का, और मेरे को टोटल इंटरेस्ट चाहिए करेक्ट है, तो मेरे को नंबर ऑफ बॉन्ड के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यस समझा अभी, यस सर बोल, सही है वो भी सही, आंसर से सेम ही आ रहा, चलो ना अभी एक लड़का बोल रहा है सर मैंने कुछ अलग किया था, ठीक है ये टोटल लिया था उसने पर बॉन्ड के ऊपर लिया था, तो ये भी कैलकुलेशन राइट हुआ ना, एक पर बॉन्ड 200 आया, एक बॉन्ड का प्राइस क्या था 1000 में से 5 माइनस करो, करो हाँ नहीं करो, मल्टीप्लाइड बाय 100 व्हाट यू विल गेट, 200 डिवाइड बाय कीजिए 950 आएगा बराबर, 950 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेम चांसेस आएगा तुमको, चेक करो ये टोटल के बेसिस पे था और ये पर बॉन्ड के बेसिस पे, तूने एक नंबर बॉन्ड का पर का लिया होगा, दूसरा वाला टोटल का लिया होगा, है ना नॉटी बेशरम, चलो ये समझा क्या, ब्रेक का कोई बोलेगा नहीं जब तक, बोल रोहित फिर ये बता क्या रहा है, ये जो इंटरेस्ट आया ये क्या है मतलब, अरे मतलब ये इफेक्टिव इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, लिखा ना ऊपर में, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट, कभी भी तुमको इफेक्टिव वर्ड बोला ना सुनो मेरी बात, तुमको सब में कभी भी एक मिनट, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट तुमको सब में कभी भी अगर इफेक्टिव वर्ड बोला तो प्लीज समझना तुमको फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, 21% इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट मतलब इतना तेज जेब से जाने वाला, तुझे लगा था सिर्फ 20% जाएगा पैसा, बट एक्चुअली 20% नहीं जाता, 21.05% जा रहा है, नहीं बेशा नहीं, अरे ये मैं कंपनी हूं ना, मैं डिबेंचर होल्डर को 20% देने वाला था, बट एक्चुअली आई एम नॉट पेइंग 20, आई एम पेइंग 21%, समझा क्या, बट एक मिनट डिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा जेब में, 20 मिलने वाले, इट्स ओके समीर, चलो आगे बढ़ो, क्या हो बेटा बोलो, ठीक है चलो, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का नाम सुना है कभी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं सुना है चलो अभी इसको ना क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं इफेक्टिव एनुअल परसेंटेज, बता दो मैं एनुअल परसेंटेज, अभी ये क्या होता है सुनना ध्यान से, मैं बात सुनू, ऐसा लग रहा है मैथ सिखा रहे हो, अबे मैं खुद मैथ्स वाला नहीं है, मैं क्या मैथ्स सिखाएगा तेरे को, ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट नंबर 5 होगा, चलो इफेक्टिव एनुअल परसेंटेज आराम से देख, अगर मैं तुमको बोलू
कि तुम्हारे पास एक सिक्योरिटी है, ओके लेट्स से कोई एक बॉन्ड्स, बॉन्ड्स ये 10% रिटर्न देता है, पता पता है, और मैं बोल रहा हूं ये ईयरली देता है, तो कितना पैसा मिलेगा तुमको साल में एक बार, कितना परसेंट देगा? 10% ही देगा पोपट साल में एक ही बार मिलेगा, लेकिन अगर मैं बोलूं एक बॉन्ड 10% है और तुमको सेमी एनुअली रिटर्न्स मिलेगा, सेमी एनुअली रिटर्न्स मिलेगा, मतलब मेरी बात समझना, तुमको पहले 6 महीने में 5% मिलेगा और दूसरे 6 महीने में 5% मिलेगा, लेकिन अब मेरी बात समझना, मैं कुछ तुमको टाइप्स बता रहा हूं। अमित सर आई थिंक आपका माइक ऑन है बट डिस्टर्बेंस हो रहा, ठीक है सुनो मेरी बात, अगर कोई इन्वेस्टमेंट 10,000 का होता तो उसके ऊपर 10% के हिसाब से कितना मिलता? 1,000। इसके बाथरूम का नल बज रहा है, चलो 10,000। बट अब जब तुमको 2 बार रिटर्न्स मिलता ना, क्या हो गया तेरे को? चलो नेक्स्ट, अब मैं क्या बोल रहा हूँ मानसी चुप, अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना, अगर तुमको ये 2 बार मिला, क्वार्टरली मिला, हस 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 तुम्हें चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, 10,000 पे पहले 5% मिला तो कितना होगा? वेरी गुड, गुजराती बोला क्या बोल रहा है, 500। तो एक बात बता, जब तुमको इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स अभी मिलेगा ना, नेक्स्ट वो कितने पे मिलेगा पता है? 10,500 पे मिलेगा, फिर 5% कैलकुलेट होगा, ये 10,500 पता है ये कैसे हुआ? 10,000 प्लस 500 और ये बना 10,500, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, तो 10,500 इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं ना, री इन्वेस्टमेंट, यस, कितना होता है? पागल है क्या? चेक कर, 10,500 मल्टीप्लाइड बाय 5% चेक करना यार, ऐसे तुक्का मत मारो, अलग ही आंसर आएगा, 525। अब प्लीज मेरी बात समझो तुम लोग, इफ यू नोटिस, अगर ये तुम्हारा एक साल में बस एक बार तुमको अगर इंटरेस्ट मिलता तो तुमको सिर्फ 1,000 मिल रहा, लेकिन जब ये कंपाउंड हुआ ना, इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, तो ये तुमको मिल रहा है 1,025 विच इज मोर, री इन्वेस्टमेंट ऐड किया, मतलब अगर साल में एक बार मिलता, सिर्फ एक बार मिलता तो 10% ही हो रहा, लेकिन अगर तुमको साल में 2 बार 10% ही मिल रहा है, लेकिन 5-5%, ओके तो ये तुम्हारा 1,025 हुआ। तो मेरे को एक बात बताओ, एज अ शेयर होल्डर या तो एज अ, मतलब तुम कंपनी समझो, तुम्हारी जेब से सिर्फ और सिर्फ 10% जा रहा है, तुम्हारे जेब से सिर्फ 10% जा रहा है, नहीं 10 से ज्यादा जा रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ 10% जाता यू माइट हैव पेड 1,000 बट लेकिन तुम शेयर होल्डर को टोटल अमाउंट कितना दे रहे हो? 1,025, ठीक है। अब एक आराम से एक चीज समझाता हूं, सुनो, सपोज मैं तुमको बोल रहा हूं कि ये जो तुम्हारा यील्ड है वो ईयरली होता है, क्या होता है? ईयरली, तो तुम क्या बोलोगे? सर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है प्लस मेरे को 10% आप दोगे, बता 1+0.1 ओके माइनस 1 करना और कितना आता है बताओ मेरे, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 10% ही है, लेकिन मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारा ना सेमी एनुअली होता है, 10% ही मिलता, तो मैं अभी कुछ कैलकुलेशन करता हूं, ध्यान से मेरी बात समझ, मैं लिख सेम रहा हूं, सब कुछ सेम लिख रहा हूं, लेकिन एक जगह चेंज करूंगा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमको सेमी एनुअली में 10% ही मिलने वाला है? ज्यादा, 10% को डिवाइड बाय 2 लिख दूंगा, तुमको समझा मैं क्या किया? प्रियंका समझाइए,
सिंस दो बार मिलने वाला है तो मैंने पॉइंट वन को आधा कर दिया, लेकिन समझो ना, सुनना सुनना, वो तो हो गया, लेकिन तुमको क्या इंटरेस्ट एक बार ही मिलने वाला है, दो बार मिलेगा, तो मेरे को यहाँ पे रेस टू टू करना पड़ेगा। कैसी है, दो बार इंटरेस्ट मिलेगा ना, 5-5% दो बार मिलने वाला, तो पहले क्या किया, 10 को आधा बनाया, बाद में टर्म्स को बढ़ा दिया, पहले एक मिलता था अभी दो मिलेगा। चलो आओ सिखाता हूँ, देखो सर किधर। बिफोर दैट आई हैव अ जनरिक क्वेश्चन सर। नहीं नहीं सुनेगा मैं सर, प्लीज सर, दिस इज रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। क्या? दिस इज रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। या या, सो फॉर एग्जांपल यू हैव 1 लाख इन आंसर, okay, you go for an FD and you give him, they tell you 9.5% 10% per annum. So you will keep it for 6 months. You will take the money with interest, and if you invest it with the interest, it becomes compound interest, sir. No, depends ki wo kya bolta hai. Agar is, if he is saying 6% and it is paid yearly. Yearly. So wo pehla wala hai. Lekin agar wo bolta hai semi-annually, then what he... और ऊपर क्या आएगा, रेज़ टू टू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको तोड़ते आ जाओ, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, इसको कैसे लिखोगे, 1.05 बता बना, सही लिखा है मैंने, गलत है, गलत है, 0.05 आएगा, 5 divided by 100 करो प्लस 1। जो लोग भी आज डेमो बैठे हैं प्लीज मेरा यूट्यूब पे कैलकुलेशन का एक वीडियो है वो देखना, तुमको अच्छे से सब समझेगा ये क्या किए। चलो आ जाओ देखो, तो अभी क्या, ये कैसा आएगा, 0.1.05 बिकॉज सिंस इट्स अ 5%, इसको रेज टू टू करो, चलो माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 100, अभी कैसे करोगे सुनो, 1.05 मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना है, ठीक है, कुछ तो बोल रहे लोग, 1.1025 कुछ तो है, कुछ तो आया माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड कितना आया, 10.25 प्लीज मेरी बात समझो, क्या क्या किया मैंने, अगर वो सेमी एनुअली बोला तो मैंने क्या किया, बहुत सिंपल सा एक काम किया, सबसे पहले 10% को 10% मैंने 10 divided by 100 इस 0.10 आया, लेकिन जब उसने हाफ ईयरली बोला तो मैंने इसको डिवाइड करके 2 बना दिया, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट एक बार मिलेगा क्या, नहीं ना, दो बार मिलने वाला, तो मैंने टर्म बढ़ा दिया। अब मैं बात समझू, सपोज एक क्वार्टरली होता तो ये कैलकुलेशन कुछ ऐसा करता मैं, 1.01 रेज टू यही होता, बट कैलकुलेशन में एक ट्विस्ट है, इसने मेरे को क्वार्टरली बोला, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड बाय 4 बनाऊंगा और रेज टू 4 बनाऊंगा, सबको समझा क्या, ठीक है, प्लीज कम हियर, आ जाओ सॉल्व विद मी। ये प्रियंका क्लास में है तू? यस सर। डाउट है क्या आपका, राहुल को कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं सर। सॉरी, तो मैं क्या किया था, 1 प्लस, जिसको नहीं समझ में आता है कैलसी यूज करो, 0.1 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आता है, 0.1 डिवाइड बाय 4 0.025 पक्का, नहीं यार तुम लोग गया, अरे नहीं नहीं मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, मैं भी चेक करता हूँ, क्या पता मैं भी रॉन्ग हुआ तो मेरा पोपट ना हो जाए। 0.025 आ रहा है, डबल जीरो में सिंगल जीरो। अरे हाँ, मैं ये लोग मेरे को कब से ही बोल रहा है, मैं कब से 3 बार बोला रॉन्ग है, ये
ये लोग सुनते ही नहीं मेरा, मुंबई वाले, अभी मैं अहमदाबाद में आएगा मैं जाके देखू क्या हो जाएगा, चोरी, तू मेरे को धमकी दे रहा है क्या, सब चोरी हो जाएगा। 1.0025 वेरी गुड 25, अगर मैं सिर्फ 25 लूंगा तो 25% हो जाएंगे, रेस टू 4। अभी कैसे करोगे सुनो, सुनो मेरी बात, 1.025 मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू, ये दो आएगा, एक बार और दबाओगे तो 3 बार आएगा, एक बार और दबाओ तो 4 बार आएगा। प्लीज जो लोग भी नए हैं, मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो है CMA US स्टार्टर पैक करके, मैंने एक वीडियो बनाया, प्लीज वो देख लेना। इक्वल टू बनाओगे 2 टाइम्स आएगा, तुम लोग अपने आप को चेंज समझ में आ रहा, तुम लोग कैसे कैसे हो गए हो, तुम लोग अभी ऐसा बैठा बॉस, ये क्या है, तो मेरे डाई हार्ट का खेल। चलो ये आया, ओके क्या आया तुम्हारा, अभी इसमें -1 करो मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, बेचारी रहमत डर गई, बोलती है अब से मैं नहीं आऊंगी क्लास। चलो अब मेरी प्लीज बात एक समझ, जब मैं तुमको बोला ये ईयरली था तो तुमको कितना परसेंट मिल रहा था, सिर्फ 10%। जब मैं तुमको सेमी एनुअली बोला तो ये तुमको 10.25% आया, और जब मैं तुमको क्वार्टरली बोला तो ये 10% चेंज हो गया 10.38 में। अरे सिंपल सी बात है ना, जितना ज्यादा री इन्वेस्टमेंट करोगे तुम लोग, जितना ज्यादा री इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा रेट बढ़ता जाएगा ना। अभी एक काम करो, चलो लेट्स टेक मंथली, बोलेगा सर क्यों मार रहे हैं हम लोग, मेरी मर्जी, आ जाओ लेट्स कैलकुलेट मंथली। अभी मंथली कैसे होगा सुनना, समझते थोड़ा, खुद से अपन दिमाग लगाते हैं। ये 0.10 आता, इसको डिवाइड बाय क्या करता मैं 12, बराबर ना, और ऊपर क्या लिखा मैं 12। थोड़ा सा मैं हेल्प कर, मेरा कैल्सि किसी लड़की ने ढाप लिया, पॉइंट 10, पॉइंट 1 डिवाइड बाय 12, जिसको नहीं आया समझो, पॉइंट 10 डिवाइड बाय 12 प्लस 1 करो, तुमको ऐसा कैलकुलेशन ऐसा मिलेगा 1.00833 ऐसे कुछ मिलेगा, इसको रेस टू 12। अब मेरी बात समझना, तुम कैसे ये निकालोगे 1.00833, जब भी आप मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाते हो ये 2 टाइम्स हो जाता, तो अभी कितने बार और दबाना पड़ेगा तुमको, 11 बार, टोटल 11 बार तुमको ये बटन दबाने का, टोटल 11 बार ये बटन दबेगा। -1 × 100 पब्लिक इज गिविंग मी 10.46 एज आंसर। प्रियंका देखो समझाइए, प्रियंका यस सर, आया ये समझ में? यस ठीक है, अब मैं बात समझो, जब तुम्हारा ये ईयरली था, ऐसा ऐसा ये ईयरली नहीं था, मंथली हुआ तो कहानी और भी चेंज हो गया, क्योंकि कंपाउंडिंग बहुत बार हुआ ना, तो कितना हो गया देख तेरा 10.46 हो गया। तो मतलब एक बात बताओ, एज अ इन्वेस्टर कोई तुमको बोले कि मैं तुमको मंथली रिटर्न्स दूंगा, देन यू विल बी हैप्पी और नॉट, ऑब्वियसली हैप्पी, लेकिन जो कंपनी ये दे रहा ना ही विल बी सैड, समझा नहीं तुमको, वो सैड हो जाएगा बेचारा, वो बोलेगा क्या दे रहा हूँ यार मैं, पैसा बचाने का तो पैसा देते दे रहे थे क्या है दे। चलो ये हो गया, अरे चलो आ जाओ फटाफट देखते हैं इसमें क्या मिला, तुम्हारा रिटर्न्स नाम का टॉपिक खत्म हो गया। अभी रिस्क पढ़ाऊंगा मैं, रिस्क जो लोग भी सेक्शन डी पढ़ा है मेरे साथ वो लोग आराम कर सकते हैं। पहले बताया शेयर होल्डर्स रिटर्न, बताया कैपिटल रिटर्न होता है कुछ तो होता है, ओके कैपिटल रिटर्न्स इज एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू डिवाइड बाय बिगनिंग वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। इनकम रिटर्न्स क्या होता है, डिविडेंड डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आया सबको,
ओके फिर तुमको बताया था शेयरहोल्डर्स रिटर्न क्या करने का, दोनों को मर्ज कर दो, फिर क्या बोला एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय बिगनिंग वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके फॉर्मूले से नहीं पढ़ रहे हैं हम, लॉजिक समझ रहे हैं हम। ओह शिट, क्या बना दिया मैंने इसको, मैजिक पे मत जाइए लॉजिक पे जाइए। अब मैं पका रहा हूं तुमको, बहुत हो गया। चलो होल्डिंग पीरियड क्या बोला था, कभी भी कुछ भी नहीं बोला है, यू विल ऑलवेज अज्यूम दैट दिस इज पर एनम। लेकिन हम अगर तुमको कोई अगर होल्डिंग पीरियड दिया तो तुमको ये अज्यूम करने का कि वो कौन सा दिया। अगर ये मंथली रिटर्न्स बोलता, बोलता एक ही महीने के लिए होल्ड किया तो क्या करने का मल्टीप्लाइड बाय 12, क्वार्टरली बोलता तो मल्टीप्लाइड बाय 4, हाफ ईयरली बोलता तो मल्टीप्लाइड बाय 3। समझा क्या? एक मिनट, क्वार्टरली 4 होगा, चलो होल्डिंग पीरियड अगर क्वार्टरली बोलता मल्टीप्लाइड बाय 4, मंथली बोलता मल्टीप्लाइड बाय 12, ईयरली बोलता तो मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाई क्यों 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 करेगा आप, वो सब नहीं आएगा, पागल है क्या वो, मेरे को भी नहीं आता कैलकुलेशन, बोलता 7 महीने का दिया होगा। चलो स्टेटेड रेट क्या होता है, इसका कैलकुलेशन नहीं होता है, ये सिर्फ लिखा ही देता है, लेकिन इसमें कोई एडजस्टमेंट होता है क्या? कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। अभी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तुमको बताया था, इसमें क्या होता है जब भी तुमको फ्लोटेशन कॉस्ट मिले तुमको क्या करने का, टोटल अमाउंट से वो फ्लोटेशन कॉस्ट तुमको माइनस करना पड़ेगा। ओके फिर मैं तुमको पढ़ाते पढ़ाते इधर पे आ गया, इफेक्टिव एनुअल परसेंटेज पे आया। तुमको क्या बोला कि कभी भी तुमको ईयरली कंपाउंड बोला है तो क्या करने का, सिंपल सा फॉर्मूला था, जो भी रेट दिया है अगर ईयरली बोला है तो कुछ मत करो। ओके हाफ ईयरली बोला है, जो भी रेट दिया है डिवाइड बाय 2 करो। ओके एक सम दो, क्या करके दोगे सॉल्व? ठीक है चलो एक सम दे रहा हूं, आराम से सॉल्व करना। मैं तुमको बोल रहा हूं एक इन्वेस्टमेंट है जिसका 12% एनुअल रेट है, और ये कंपाउंड होने वाला है क्वार्टरली। चलो मेरे को इफेक्टिव एनुअल रेट चाहिए, चलो लग जाओ काम पे। ये 2 घंटा हो गया ना, कसम ठीक है 7:30 तक तो छोड़ ही दूंगा। मेरा शक्ल इतना काला कैसे हो गया था इसमें समझ में नहीं आ रहा, उल्टा मैं अहमदाबाद में गोदा देखे था। ये चलो 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 देख, मैं कितना भी फिल्टर मारता हूँ तो क्या 48 तुमको ऊपर का देखने का है, देख ले। अरे देख ले तू भी, क्या याद रखेगा। देवांशी सिंह 16.98। अरे ये नोटबुक में करना एकदम से आलसी है लड़का। मोस्टली लोगों को आंसर 12.55 आया है।
आई विल सॉल्व इट, डोंट वरी, मैं तुमको सॉल्व करके देगा, टेंशन नहीं लेने का. 12.55 ठीक है, आ जाओ. चलो देखो, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे. देखो सबसे पहले मैं क्या बोला, 12% है, मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 + 0.12, जिसको 0.2 समझ में नहीं आया प्लीज मेरी बात समझो, 12 को डिवाइड बाय 100 करो, तुमको 0.12 मिल जाएगा. ओके, अब मेरी बात समझो, इसको ब्रैकेट में डालो, बराबर है. अभी मैंने क्या बोला था, क्वार्टरली चाहिए, डिवाइड बाय 4 किया, और रेस टू क्या आएगा ऊपर, 4, बराबर ना. सो लेट्स गो डाउन, कैसे लिखूंगा इसको, 1.1 + 0.03 बराबर ना, रेस टू 4, कैसे निकालोगे, 1.03 raised to 4. चलो 1.03 मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये कितने बार आएगा, 2 times आएगा, एक बार और इक्वल टू दबाओ 3 times आएगा, एक बार और इक्वल टू दबाओ 4 times आएगा, क्या आता है, जो भी आया -1 multiplied by 100 क्या हुआ दीप, आ गया 12.55. चलो एनी डाउट सो फार, किसी को कोई भी डाउट बोलो ना, नहीं. चलो मेरी घड़ी में सर, दिस इज लाइक कम बोल, एक ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे कि 12% रिटर्न देंगे, बट अगर उसको क्वार्टरली देंगे तो इट विल बी 12.55 ज्यादा है. सुपर ब्रो, वेरी गुड, मतलब वो बोलने के लिए 12% बोल रहा है, बट एक्चुअली उसके जेब से 12.55 गया. रोहित डन? यस सर. चलो तुम भी क्या रखोगे, 20 मिनट का ब्रेक देता तुमको, 4:37 पे मिलेंगे आपको, 437. तो समझ लो किस लेवल तक जाएगा, कितना पॉइंट है, अरे चलता ही रहेगा, 100-200 है आराम से. चलो आ जाओ, हाँ पहले तो हाय बाय तुम लोग सब कर लो, उसके बाद हम लोग उसको बोल, हाय तनिषा, हाय अमोल, बोल तो सही. चलो अभी आ जाओ, अभी अपन रिस्क समझ रहे, रिस्क ठीक है. अभी आराम से ना, जो भी तुम लोग सेक्शन डी में पढ़ा था उसके जैसे ही कुछ थोड़ा सा लिंक है, बट उससे थोड़ा अलग है. कभी भी कोई चीज जब रिस्क कोई बोलता है ना, उसका मतलब ये होता है कि तुमने कुछ सोच के रखा है जो तुम अचीव नहीं कर पाओ कुछ कारण की वजह से, उसको बोलते हैं रिस्क. ओके, रिस्क सबको मालूम है, यहाँ पे भी मैं वही मीनिंग दे रहा हूँ, सिंपल. ऐसी कुछ चीजें जिसकी वजह से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा, उसको ही अपन रिस्क बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे ना सबसे जो मेन रिस्क है ना, टू मेन रिस्क इस चैप्टर के लिए, वो क्या है समझो, 2 मेन टाइप ऑफ रिस्क आराम से समझाता हूं. एक का नाम है सिस्टमैटिक रिस्क, दूसरे का नाम है अनसिस्टमैटिक रिस्क. चलो, 2 टाइप का रिस्क होता है, कौन सा बोला, एक सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा अनसिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क को मार्केट रिस्क भी बोलते हैं. क्या उसको, वेरी गुड, इसको फर्म स्पेसिफिक रिस्क बोलते हैं. ओके, आगे इसको non-diversifiable risk बोलते हैं और इसको diversifiable. चलो आराम से मैं एक एक करके सब मीनिंग बताएगा क्या होता है, पहले वो समझो. जब भी कोई आदमी तुमको सिस्टमैटिक रिस्क बोले उसका मतलब क्या होता है, पहले वो समझो. सिस्टमैटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जो पूरे मार्केट में पड़ा हुआ है, मतलब ये रिस्क पूरे मार्केट पे छाया हुआ है, तुम इसको कैसे भी करके एलिमिनेट नहीं कर पाओगे. मैंने ऐसे एलिमिनेट मतलब तुम इसको उड़ा नहीं पाओगे,
मतलब एग्जांपल कोविड का टाइम, कोविड के टाइम पे पूरा मार्केट डाउन है, कोई भी सिक्योरिटी अप नहीं है, तो वो तेरा सिस्टमैटिक रिस्क हुआ, वो तेरा सिस्टमैटिक रिस्क हुआ। मतलब इकोनॉमिक एग्जांपल जब अदानी का शेयर डाउन हुआ था, या जब इकोनॉमी डाउन डाउन पे जाता है, कुछ ही कंपनी ऐसी है जो तेरे को लगता है कि यार ये बढ़ेगा, बाकी सब कंपनी डाउन पे ही है। अभी जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तो अदानी का सारा सिक्योरिटी डाउन था, लेकिन अदानी का डाउन था ना, इंफोसिस का डाउन थोड़ी था। तुमको समझा क्या? हेलो, कोई बोलता ही नहीं। अरे ऑनलाइन वालों, समझा क्या? हाँ सर। बराबर, सिस्टमैटिक रिस्क इज दोज रिस्क जो पूरे मार्केट पे छाया है। ओके, जहां पे अच्छा एक बात बता, अगर पूरा मार्केट ही डाउन है, तुम एक कंपनी का शेयर खरीद के दूसरे कंपनी में बेच सकोगे क्या? उसका भी तो डाउन ही होगा ना, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। पहले ये समझ में आएगा, मैं तुमको ये सब चीज बुक से भी पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए बस तुम ये ध्यान दो। अब मैं ना कुछ पॉइंट्स लिख के दे रहा हूँ, थोड़ा समझना क्या क्या तुम्हारे लिए मैंने लिख के रखा है। देखो, अभी इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला ये है, दिस इज रिस्क रिलेटेड टू होल मार्केट, रिस्क रिलेटेड टू होल मार्केट। मतलब हर एक सिक्योरिटी की बैंड बजी पड़ी, मतलब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फ्लेशन इज अ मार्केट रिस्क। मुझे एक बात बताओ, जब कंपनी का, जब पूरा कंपनी, अगर लेट्स से कंट्री में इन्फ्लेशन छाया, हर एक चीज महंगा मिल रहा है, तो सिस्टमैटिक रिस्क ही हुआ ना। मैं सिक्योरिटी स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इन्फ्लेशन आता है तो हर प्रोडक्ट पे वो अटैक करेगा ना। 100 का चीज तुमको 120 का मिलेगा, तो 5 रुपए का चीज 6 का मिलेगा, बराबर ना। नेक्स्ट सर, ऐसे डिमांड कम हो जाएगा, लोग परचेस कम करेंगे, इसलिए मार्केट रिस्क हो गया ना। यस यस, दिस रिस्क कैन नॉट बी मैनेजेबल। मुझे एक बात बताओ, अगर ये रिस्क तुम्हारे पर आया तो तुम आज के आज ही बोलोगे क्या, अरे सब हो जाएगा, अरे देख लेंगे, बोलेगा क्या? भाई बहुत टाइम लगता है रिकवरी आने में। तुम आज क्या थोड़ी बोल देगा, अरे सब हो जाएगा, तुम मोदी जी थोड़ी है, सब चंगा सी, अरे नहीं चंगा सी, इतने जल्दी नहीं होगा रे। समझा क्या? कोई बोलता ही नहीं। हाँ, वेरी गुड। दूसरा, ये कब कब हो सकता है? एक्सेस रिसेशन। तुमको रिसेशन आता है क्या समझ में? पब्लिक का जॉब जा रहा है, बराबर। दूसरा हो सकता है, इसको बोल सकता हूँ करेंसी डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन, व्हेन आई से कंट्री डिवैल्यूएशन, इसका मतलब सिंपल सा होता है, तुम्हारा कंट्री का, होम कंट्री का करेंसी डाउन पे जा रहा है। देखो ना, तुमको हर बार स्विंग देता होगा, रुपीज का वैल्यू डाउन होता है, रुपीज का वैल्यू डाउन होता है। अरे समझा क्या बॉस? ये सब तुम्हारा सिस्टमैटिक रिस्क है, मतलब ये खत्म करने के लिए तुमको बहुत टाइम जाएगा। तुमको समझा क्या? तो मैंने क्या बोला, इस इज रिस्क रिलेटेड टू द होल मार्केट, इन्फ्लेशन इज वन टाइप ऑफ मार्केट रिस्क, जो आएगा तो सब पे आएगा। तीसरा बोला, दिस रिस्क कैन नॉट बी मैनेजेबल, हो जाता है लेकिन बहुत टाइम लगता है उसके लिए। तीसरा क्या, चौथा क्या बोला, एक्सेस रिसेशन या रिसेशन या तो करेंसी डिवैल्यूएशन, अपने करेंसी, अपने रुपीज करेंसी है, एक जो करेंसी है वो डाउन पे जाना है। हाँ भाई, जब बोले वो मैं आगे बताऊंगा कि डाइवर्सिफाइबल किसको बोलते हैं, अभी रुक जाओ। हाँ रोहित बोल। सर मैं जैसे इन्फ्लेशन का मैंने पता ना, डिमांड कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल ए मार्केट रिस्क बन जाएगा, तो वैसे जो लास्ट पॉइंट है ना, वो मेरे को थोड़ा एग्जांपल से समझाइए ना। एक्सेस रिसेशन, एक्सेस रिसेशन, एक बात बता, कंट्री में वॉर चालू है, ओके, तो तेरे को क्या लगता है, मतलब कंट्री सब खुश हो जाएगा? मतलब ये रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकता ना, जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं सब बोले, बराबर। दूसरा मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, इंटरनेशनल इंसिडेंट्स। अभी जब रशिया इसका वॉर जब चालू हुआ, पूरा शेयर मार्केट डाउन पे था। अभी रिसेशन जैसे कंट्री में सबका जॉब जा रहा है, तो तू यहाँ से छोड़ के उधर जाएगा तो भी तो कंट्री में छाया हुआ है, मतलब सिस्टमैटिक रिस्क पूरे कंट्री पे छाया हुआ है, मतलब वो तेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। ओके सर, हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी जब अनसिस्टमैटिक रिस्क कोई बोलेगा ना, इसको मैं बोल सकता हूँ स्पेसिफिक
1991 was also a situation of a systematic waste wherein economic reforms were brought in. Correct, sir. Correct, correct. Same, same. वहाँ पे पूरे कंट्री पे वो इम्पैक्ट आया था उसका. Specific to particular industry. Particular industry. Okay. Unsystematic risk क्या होता है मालूम है? पूरे कंट्री पे नहीं छाया. अभी example जब कोविड आया था, फार्मास्यूटिकल कंपनी शूटिंग अप, बट ऑटोमोबाइल जो कंपनी थी वो डाउन पे था. वो फॉर्म स्पेसिफिक रिस्क. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं इट इज स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर इंडस्ट्री. सेकंड पॉइंट में मैं ये बोल सकता हूँ, इट कैन बी मैनेजेबल. कैन बी मैनेजेबल. ठीक है, अभी आराम से कुछ तुमको कुछ चीजें बता. एक बताता हूँ जिसका नाम है, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन. वो पोर्टफोलियो में मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझ. डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है मालूम है? कि आज अगर मेरा कहीं पे कोई सिक्योरिटी, लेट्स से मेरे पोर्टफोलियो में 20 सिक्योरिटी है, 20 सिक्योरिटी में से मेरे पास 6 सिक्योरिटीज ऐसा है जो फार्मा सेक्टर का. फार्मा सेक्टर इज गोइंग डाउन डे बाय डे. फार्मा सेक्टर इज गोइंग डाउन. अगर फार्मा सेक्टर डाउन जाता है और तेरे को इसका ये लग रहा है कि यार ये सिक्योरिटी डाउन जाएगा ही जाएगा, तो तू क्या करेगा? फार्मा सेक्टर से पैसा निकाल के यू विल पुट इन ऑटोमोबाइल्स. एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ऑटोमोबाइल्स इज इंक्रीजिंग, बराबर ना? तो ये क्या हुआ पता है? इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन. हमेशा आगे में चल के जब तुमको आज के दिन वो पोर्टफोलियो नाम का चैप्टर चालू होगा, उसमें तुमको ये सिखाऊंगा कि उसमें वही बोलता है कि यार पोर्टफोलियो क्या होता है समझ. तेरे पास कुछ सिक्योरिटीज का बंडल है, आगे बताऊंगा मैं. उसमें से अगर तेरे को लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इज गोइंग डाउन डाउन डाउन, तो ये पर्टिकुलर रिस्क इंडस्ट्री के लिए हुआ ना, तो तू क्या करेगा? वो निकाल के एफएमसीजी में पैसा डाल देगा. लेकिन एक बात बताओ, कंट्री में पूरा इन्फ्लेशन छाया हुआ है, तो तुम किधर भी जाएगा तो मरेगा ही ना. तो ये डाइवर्सिफाइबल हुआ या नॉन डाइवर्सिफाइबल हुआ? नॉन डाइवर्सिफाइबल मतलब यू कैन नॉट डाइवर्सिफाई. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये मैं वापिस पढ़ाने वाला, ये चैप्टर आज ही होएगा, आज ही होएगा. ऐसा मत देखो तुम लोग मतलब ये आज ही मैं सिखाएगा, टेंशन लेने का नहीं, पहले ये समझा. ठीक है, चल एक बात बता, कोई कुछ पूछ रहा था? ओके चलो, अब मैं ना एक शॉर्टकट दे रहा तुमको. क्या हो, पूछ ले भाई, कुछ पूछ रहा था उससे? नहीं नहीं, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए. हेज वर्सेस समीर. समीर अभी ये 12th के बच्चे हैं, सब पागल हो जाएंगे. समीर अभी नहीं, समीर ये सब 12th के बच्चे, ऐसा 2-3 नाम लूंगा ना, लोग खुद बोलेंगे भाई मेरे को कोर्स छोड़ने का. क्या जोक था इसमें? हाँ, तो कैल्सी लिया तो हंसने का. ए भगवान. सुनो मेरी बात, सुनो. डाइवर्सिफाइबल रिस्क इज अनसिस्टमैटिक. क्या बोला मैं? डाइवर्सिफाइबल रिस्क इज अनसिस्टमैटिक एंड नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क इज सिस्टमैटिक. ये याद रखना, DUNS. डाइवर्सिफाइबल रिस्क इज अनसिस्टमैटिक, नॉन डाइवर्सिफाइबल इज सिस्टमैटिक. इतना आया समझ? चलो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट. अभी मैं कुछ टाइप ऑफ तुमको रिस्क बताता हूँ, सुनना आराम से, देखना तुमको सब आता. पॉइंट नंबर वन, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ बुक से भी लिंक करवाऊंगा, सब सब पढ़ाएगा. पहले वो समझाना, दो टाइप ऑफ रिस्क. कौन सा बोला? सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क पूरे कंट्री में छाया, अनसिस्टमैटिक फॉर्म स्पेसिफिक होता है, बराबर. चलो दूसरा है क्रेडिट रिस्क. अभी क्रेडिट रिस्क बताता हूं क्या होता है. क्रेडिट रिस्क मतलब तुमने किसी को माल दिया, क्रेडिट पे माल दिया, और वो बंदा पैसा लेके भाग गया, क्रेडिट रिस्क, बराबर. तुमने मतलब किसी कंपनी में किसी कंपनी को लोन दिया एज ए डिबेंचर्स, और वो कंपनी डूब गया, क्रेडिट रिस्क. समझा क्या? विजय माल्या. सही बोला. चलो क्रेडिट रिस्क, तो कहने से यहां पे लिख सकता हूं इट इज रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ मनी. बोलना, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स तुमको लिख के दे रहा हूं. डिपेंड्स ऑन
depends on borrower's creditability, credit worthiness. वर्दी में टी एच आता है ना भाई, हाँ, क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब उसका कितना वो पैसा दे पाएगा नहीं दे पाएगा. अभी जब मेरे को मालूम है, सर बेस्ट एग्जाम्पल क्रेडिट कुड बी हेरा फेरी मूवी, लक्ष्मी चिट फंड. यस सर, आपका कोई स्टूडेंट पैसा नहीं दिया क्रेडिट रिस्क ना, हाँ 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 हाँ, कितना शाना है इसका फीस हो गया पूरा, इसके लिए बोल रहा है बेस्ट साले. मेरे बच्चे अच्छे है सब लोग. चलो क्रेडिट आया समझ में, क्रेडिट वर्दीनेस मतलब ऐसे लोगों के साथ ही बिजनेस करो जो लोग तुमको पैसा दे पाए, बराबर ना. चलो नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आराम से समझ. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, चलो समझो मेरी बात. लेट्स से मैं एक चीज तुमको बता रहा हूं, तुम ना एक सेलर है, सेलर, और तुम एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट, ठीक है. मैं क्या बोल रहा हूं, जब तुमने उसको इनवॉइस बनाया ना, जब तुमने उसको इनवॉइस बनाया, तो क्या ना इसे इनवॉइस तुमने बनाया उसको $20,000 का, उस दिन तुम्हारा रेट था $80. आपने समझा, मतलब 20,000 का बिल है, उस दिन तुम्हारा रेट था ₹80. लेकिन जब रिसीव करने का टाइम आया ना पैसा, तो $20,000 तो वो था, लेकिन आज का जो रेट था ना, ये 75 हो गया. एग्जाम्पल कैलकुलेट करो, हाँ सेम सेम भाई, फर्स्ट वाले का कितना है, इट्स कॉल्ड करेंसी. नो 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 दीपा दीपा, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, वी आर गोइंग टू लर्न दैट. 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 80 कितना, 16 लाख, 16 लाख. नेक्स्ट वाला 15 लाख. इफ यू नोटिस, दिस इज अ डिफरेंस ऑफ 1 lakh रुपीस, एंड इट इज अ नथिंग बट इट इज अ लॉस टू एक्सपोर्टर. तुमको समझा क्या, लॉस टू एक्सपोर्टर, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं भाई, क्या अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी किसको बोलते हैं, जो तू नहीं किया, यहाँ पे तो हो ही गया ना तेको लॉस. चेंज के कारण हो गया ना सर, लॉस्ट हो गया. अपॉर्चुनिटी क्या क्या होता है, एक ऑप्शन छोड़ के दूसरा ऑप्शन तूने चूज किया, यहाँ पे थोड़ी तेरे पास ऑप्शन है. जब तेरे को पैसा मिला तो 75 ही मिला ना, ये तो एक्चुअल लॉस हुआ. सहन करना ही पड़ेगा, अभी कंट्री में 75 का रेट मत दो, थोड़ी बोलेगा मन है 80 जॉइच है, ऐसा नहीं होता. हाँ, लेकिन ये एलिमिनेट हो सकता है. आगे चल के एक टॉपिक बढ़ाऊंगा, डेरिवेटिव्स. जो लोग पढ़ा हुआ है वो लोग पहले से उदास है, ओके. यस यस, मैं सब बताएगा है, जो लोग भी चैट बॉक्स पे हेजिंग लिख रहे हैं, प्लीज मेरी बात समझो, ये सब आगे टॉपिक में आने वाला है. बट अभी तुमको बस ये समझने का है, तुमको रिस्क समझ में आया के लॉस, बराबर. तू कुछ बोल रहा था, तू कुछ बोल रहा था अभी, वही बोल रहा था. वेरी गुड. या बाबू सर, ये पूरा पढ़ के हेजिंग जाने के तक हेजिंग थक जाएंगे सर. थक जाएंगे ऐसा? हाँ सर, एजिंग भूल जाएंगे बाद में. अरे ऐसा नहीं यार, बच्चे लोग छोटे छोटे यार, मतलब सोचो ये दिस विल बी, जो भी एजिंग पूछ रहे हैं ना उन लोग को बोल रहा हूँ सर. अच्छा हाँ, जो अब भी पूछा वो बहुत एक्साइटेड होके पूछा, जब बाद में जा रहे थे इतना ये क्या करके सोच लेंगे बाद में. चलो अब मैं इम्पोर्ट किया कोई गुड्स, ओके. जब मैं इम्पोर्ट किया ना, तो मेरा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 75 का बिलिंग था, उस दिन का रेट 75 था, तो कितना आया, 15 लाख आया. लेकिन जब मेरे को एक्चुअली पेमेंट का टाइम आया ना, लग गई मेरी वाट, मतलब आज मेरा रेट $80 हो गया. तुमको समझा कितना हो गया, 20 लाख हो गया, ये 16 लाख हो गया, 16 लाख हो गया. कैन आई से दिस इज नथिंग बट दिस 1 लाख जो तुमको मिला, दिस 1 लाख इज अ लॉस टू इम्पोर्टर. समझा क्या बेड़ो, लॉस टू इम्पोर्टर. हेलो, सबको फॉरेन करेंसी रिस्क समझा क्या, मतलब सोचो ना, अगर जो एक्सपोर्ट वाला है उसको भी रिस्क है, जो इम्पोर्ट वाला है उसको भी रिस्क है. मैं आगे सब बताएगा, ये अपने आप में चैप्टर है, एक टॉपिक आएगा B6, इट इज टफेस्ट टॉपिक ऑफ द इंटायर CMA US.
हाँ वो बाद में, हाँ मैं इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब बाद में वापस आने वाला है, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही समझ, ये समझा क्या? इधर पे रहमत बोल रहे, इधर पे यही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि क्या आगे क्या क्या क्या, क्या बोल रहा है वो, आएगा। पढ़ाता कौन है तुमको? मैं रवि सर। पास कौन कराएगा? कौन पढ़ाता है तेरे को? चल आजा। क्या एग्जाम भी दे दूं मैं तुम्हारा? ठीक है चल दे 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 दे। इसको बोलते, सुनो, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क तो इसको बोलते ही है, सुन मेरी बात ध्यान से, इसको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क तो बोलते ही है, लेकिन ये जो मैं तुमको बताया ना अभी, इसको अपन ट्रांजेक्शन रिस्क भी बोलते हैं। कौन सा रिस्क? ट्रांजेक्शन रिस्क। एक होता है ट्रांसलेशन रिस्क, जो मैं बाद में पढ़ाएगा, पहले तुमको ये समझ में आएगा तो मैं आगे बढ़ेगा, बराबर है? चलो दूसरा, तीन रिस्क आया समझ में, अभी चौथे पे आते हैं, सुन। चौथा है तुम्हारा इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है? अब मैं तुमको इंटरेस्ट रेट रिस्क बताता हूँ क्या होता है, दो एंगल से। एक तो मैं तुमको कंपनी के एंगल से बताऊंगा, एक तुमको कंपनी के एंगल से बताता हूँ, और एक इन्वेस्टर के एंगल से बताता हूँ, ठीक है? समझ। लेट्स से एक कंपनी है, उसने अपना बॉन्ड छापा, बॉन्ड छापा, और वो 5% पे बॉन्ड छाप गए, दे दिया, मतलब सबको बोला भाई आओ इधर आओ, 5% दूंगा तुमको रेट, बराबर। लेकिन अब क्या हुआ, तुम्हारा जो मार्केट में रेट आया ना अभी, मार्केट में रेट हो गया 3%, तुम खुश होएगा या तुम रोएगा? तुम कंपनी है तो क्या करेगा? रोएगा, रोएगा कंपनी। कंपनी बोलेगा साला मैं सबको पांच, एक बार 5% दे दिया, मार्केट 3% ही दे रहा है, तो मैं तो रोएगा ना, अरे भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, समझी? चलो लेट्स से यू आर इन्वेस्टर, ओके? तो मैं अब क्या बोल रहा हूँ सर, मैंने सेक्शन डी देखा था सर, उसमें अभी बता रहे थे कि अगर बॉन्ड 5% है और मार्केट ने बोल दिया 8% है, तो मतलब अभी कंपनी को 8% से देना पड़ेगा, तब कंपनी रोएगी ना। अब बॉन्ड 5% है, बॉन्ड 5% है और मार्केट रेट बोल रहा है 3% देना है, तो कंपनी खुश होगी ना कि अभी 3% देना पड़ेगा। अच्छा कंपनी खुश होगा, ठीक है। अब मैं तेरे को एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी तेरे को शॉपिंग करने का मन है, कुछ पूछ ऐसे बस। हाँ शूज ले रहा हाँ, क्या बोले? लेगा शूज? शूज नहीं लेना है सर, ब्लूटूथ लेना है मेरे को, ब्लूटूथ हेडफोन लेना है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ एक दुकान पे गया, ठीक है, और उस दुकान पे तूने वो हेडफोन, तेरे को सपोज तू JBL का हेडफोन ले रहा, ओके, और तेरे को मिला 2000, बराबर बोलना। हाँ 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 हाँ। सेम हेडफोन तेरे को Amazon पे 1800 का मिला, हाँ 1800 का मिल रहा है, तू ऑलरेडी 2000 का परचेस कर चुका है, और देखो Amazon पे ये हेडफोन 1800 का मिल रहा है, हाँ वैसे रोऊंगा, तो ये भी तो सेम ही हुआ ना। एग्जांपल रोहित, तू 5% दे रहा है, तेरे जो बॉन्ड होल्डर्स है, तू एज अ कंपनी 5% दे रहा है, लेकिन जो मार्केट में अदर कंपनीज है वो 3% भी दे के खुश है, तो तू बेटा ज्यादा दे देगा ना, तो तेरे पर ये रिस्क है कि नहीं है? तू कब खुश होगा मालूम है? तू तभी खुश होगा जब तेरे को 5% देना पड़ रहा है और मार्केट 8% पे। देखो समझा मैं क्या बोला? हाँ समझा सर, समझा। अभी अगर मैं इन्वेस्टर और मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है बॉन्ड पे 10% पे, अब मेरे लिए रिस्क क्या है पता है? कि मार्केट रेट 12 हो जाए। तुमको समझ में आया क्या? क्योंकि मैं अभी 10 छाप रहा हूँ और मार्केट 12 दे सकता है, तो ये मेरे लिए रिस्क ही हुआ ना, समझा क्या? कुछ लिखाऊं क्या इस पे? लिख के दूं? शिट तुम लोग कैसा है, तुम लोग सीधा बोल देता है नहीं चाहिए, समझ गया ना ये एग्जांपल? ठीक है चलो, बॉन्ड रेट आर फिक्स, इट्स नॉट फ्लोटेड रेट, सो नो 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 समय समय नहीं 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 समय, देयर इज लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट व्हिच वी विल लर्न इन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, आगे आऊंगा मैं।
कौन से एंगल से वो बोल रही है, इन्वेस्टर या किए? हाँ कंपनी खुश होगा ना, कंपनी बोलेगा मैं इतना ही दे रहा हूँ, मार्केट हाई है। ऑब्वियसली कोई रिस्क, मतलब रिस्क मतलब नुकसान ही होता है, करेक्ट। चलो इंटरसेप्ट हो गया, अभी एक मिनट रुको। चलो आ जाओ, एक पांचवा रिस्क बता दो, कोई सोएगा नहीं, मेरे को मालूम है थ्योरी चालू से तुम इसके क्वेश्चन आएगा तो तबला बजेगा तुम्हारा। चलो नेक्स्ट रिस्क बता दो, इंडस्ट्रियल रिस्क। अच्छा एक बात बता, इंडस्ट्रियल रिस्क तो अपना डाइवर्सिफाइबल हुआ या नॉन डाइवर्सिफाइबल? किसी इंडस्ट्री आज डाइवर्सिफाइबल ना, मतलब एक इंडस्ट्री पे आया तो मैं दूसरे पे स्विच हो जाऊंगा, बराबर? किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे आया, सो कैन आई से आई कैन राइट स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ओके दूसरा मैं क्या, एक कैन आई से दिस इज कैन बी मैनेजेबल? Yes, sir. इसमें एक और पॉइंट मैं और भी लिख सकता हूँ, इट इज अ टाइप ऑफ, बोल कौन सा, सिस्टमैटिक रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क? सिस्टमैटिक से अनसिस्टमैटिक है, अनसिस्टमैटिक रिस्क, समझ रहे क्या बड़ो? बराबर। चलो अभी मैं तुमको क्या ही बताऊं, एक रिस्क ऐसा है जो तुमको नहीं भी पढ़ाएगा तो भी तुम समझ जाएगा, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल रिस्क। कल को मोदी जी चले गए तो, अरे मतलब गवर्नमेंट चेंज हो गया, सालो तुम लोग कितने बुरे हो, तुम लोग हंसने लगते हो। मोदी जी वी लव यू, वी में मेरे को मत इंक्लूड करना, आजकल तो पब्लिक पता है स्टेटस डालता है सीधा, क्या क्या सी क्या, अभी कोई ना कोई भक्त हो सकता है, अभी भाई वो बीजेपी वाली है, तो उसका स्टेटस नहीं देखा, उसका भाई तलवार लेके घूमता है माइक वाला। शिट क्या बोल रही है ये, हाँ तो मोदी जी पे उसको बोल एक गाना गा। सुन पॉलिटिकल रिस्क में क्या क्या आ सकता है, ये तुम लोग कुछ नहीं बोलेगा, वो मेरी स्टूडेंट है, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। चलो इसमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले अपना जो केजू बार बार बोलता है, केजू तुमको पता है कौन है, वो बोलता है करप्शन हो रहा है कंट्री में, पॉलिटिकल करप्शन क्यों होता है, गवर्नमेंट्स, एक सेकंड रुकना, गवर्नमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेन फर्म्स, मतलब कोई बाहर का कंपनी आता है, अभी लेट्स से रशिया का कोई कंपनी आएगा, बोलेगा आओ आओ, कुछ आने का आएगा तो बोलेगा ए नहीं तू नहीं आने का, ये पॉलिटिकल रिस्क ही हुआ ना, जब तुम बिजनेस करना चाह रहे लेकिन कोई सामने से बोलता नहीं तुम बिजनेस मत करो, तो कुछ पूछ रहा था, हाँ मतलब कोई सेंटेंस दिया होगा तो सेक्शन डी नहीं बैठाएगा, तो उसमें था ना अपना पॉलिटिकल रिस्क, हाँ हाँ सेक्शन बी में भी आ सकता है, ठीक है। चलो ये हो गया क्या, सुन दूसरा, हाँ तीसरा भाई, तीन इनकन्वर्टिबिलिटी, इनकन्वर्टिबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी, पता सुनना, तुम चेंज करने जा रहे हो अपना करेंसी लेकिन तुम्हारे करेंसी के साथ डिशम डिशम हो गया, तुम्हारा करेंसी डॉलर में कन्वर्ट ही नहीं होता, तो ये पॉलिटिकल रिस्क ही है ना, गवर्नमेंट चाहे तो कर भी सकता है बट तुम नहीं कर पा रहा। ओके नेक्स्ट क्या लिख सकता हूँ, वॉर, लॉस, हाँ लॉस ऑब्वियसली, यहाँ पे एक और चीज में लिख रहा हूँ, यश ने बोला अच्छा चीज बोला उसने, अमेंडमेंट इन द करेंट लॉस, इन करेंट लॉस बता दो, बता दो दारू कौन से दो स्टेट में बैन है, देखो से पूछ रहा हूँ पता नहीं, देखो छत्तीसगढ़ तनिषा रे तनिषा, अहमदाबाद सॉरी अहमदाबाद नहीं रे, गुजरात एंड बिहार, जबकि दोनों स्टेट में मैं कल पता चला होम डिलीवरी होता है,
छत्तीसगढ़ में मेकिंग मैन, हाँ वेरी गुड, तू कितना स्मार्ट है। चलो तो मैं अभी कल से सुनना, कल से अगर मुंबई का गवर्नमेंट बोले और तू बियर, तू समझ अमोल वाइन्स है, अरे मैं बोल रहा हूँ तू अमोल वाइन्स है, और कल को आके अपना शिंदे भाई बोलता है असे दारू बंद, तो तेरे पे पॉलिटिकल रिस्क नहीं आएगा। अभी समझा एग्जांपल, ये सब एग्जांपल कैसे समझ जाता है तू? क्या स्टॉप लेके रखा? चलो इतना आया समझ में? चलो पहले इसको रीड करो, ये इतने टाइप ऑफ दिस था, इसके बाद जो टॉपिक चालू होने वाला है वो धमाल है। अमेंडमेंट इन करेंसी, मतलब क्या बोला अमेंडमेंट इन करेंसी लॉस लास्ट वाला, करेंसी नहीं रे कंट्री लॉ, अरे सॉरी इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। अरे तू हीरो है रे, देखो कंफ्यूजन कैसे हो सकता है। चलो पहले इतना सा समझा क्या, किसी को कोई डाउट? ठीक है चलो एक मिनट स्लाइड देख लो, उसके बाद वी विल गो ऑन नेक्स्ट टॉपिक। आज 6:30 तक यहाँ बॉस क्लास में, पहले से बोल रहा कोई चाचू काकू किया ना सीधा फेंक दूंगा यहाँ से, फेंकूंगा कैसे इधर बिल्डिंग भी नहीं। ठीक है समझ आ रहा हूँ। 6:30 बोलो, ये इस पे सम्स आएंगे या थ्योरी होगा जैसे सेक्शन डी में था? सम्स थ्योरी दोनों मिक्स। चलो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, देखते जाओ कोई डाउट है तो पूछो मेरे को। बोल जो आप पढ़ाए हो अभी 4-5-6 दिन, हाँ तो ये किसमें आता है ये? अरे मतलब ऊपर के ऊपर तो ये किसमें आता है सिस्टमैटिक रिस्क में? ये टाइप ऑफ रिस्क है सिस्टमैटिक। अभी एग्जांपल तू पॉलिटिकल रिस्क बोलेगा तो सिस्टमैटिक में, इसलिए मैं बोला टू मेन टाइप ऑफ रिस्क। मतलब ये रिस्क का दो टाइप है, इसके अंदर सब आता है। तो कुछ उसको और समझाना चाह रहा था जो तो लुक गया सब। अरे टीचर पढ़ा दीजिए उसको, अरे वो खुश हो जाएगा। विजय जो पूरे कंट्री को इम्पैक्ट करेगा दैट इज सिस्टमैटिक, जो सिर्फ मुझे और किसी फर्म स्पेसिफिक करेगा तो अनसिस्टमैटिक। तो डाउट क्यों पूछा फिर? मैं ये पूछा जो आप ये पॉइंट लिखे हो उसमें है क्या? समझ गया ना, समझना इम्पोर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ एक चीज तुमको सिखाता हूँ, आओ मेरे बच्चों आओ। अभी ना मैं तुमको ना कुछ लोगों के बारे में बता रहा हूँ, ओके? और लोग कैसे कैसे होते हैं देख। ये क्या होता है? मैं बोला आज मैं तुमको सिखाता हूँ लोग कैसे कैसे होते हैं, तो बोलते मतलब अच्छा व्हाट आर द टाइप ऑफ लोग्स? अरे सर डेंजरस फ्रेंड्स, डेंजरस सिंपल और तनिषा नहीं बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट वो अपने केस। चलो मैं तुमको एक कुछ चीज सिखाता, मैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर बता रहा हूँ तुमको कैसे होता। क्या चल रहा है तुम दोनों का आपस में? तुम लोग अखियों से एक दूसरे को गोली मार रहा है, तुम लोग बम फेंक रहे। एक मिनट रुको। चलो टाइप ऑफ इन्वेस्टर बताओ, सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं रिस्क अवर्शन। ठीक है अवर्शन नहीं अवर्शन भी होता है अवर्शन भी होता। भाई ये इसने मूल चला लिया, मैं इधर लिखता हूँ रिस्क अवर्शन, तो स्पेलिंग बोल मिल रिस्क अवर्स बस पार्टिया रिस्क अवर्स। दूसरा रिस्क न्यूट्रल की स्पेलिंग बोल एन ई यू आर ए
ओके लास्ट है रिस्क सीकर ठीक है आराम से पढ़ते सबसे पहला कोई भी रिस्क अवर्स बंधा हुआ ना वो क्या बोलता है मालूम है मैं भाई रिस्क लो लूंगा मेरे को रिटर्न लो चलेगा चलो रिस्क अगर लो हुआ तो रिटर्न भी मेरे को लो चाहिए वो कभी भी ये नहीं चाहेगा मैं रिस्क लूंगा मेरे को और मेरे को रिटर्न ज्यादा मांगता रिस्क अवर्स वो इन्वेस्टर होता है जिसको हमेशा रिस्क लेस अप्रोच में खेलने का ओके रिस्क लेस अप्रोच मतलब क्या बोलता है कि यार मैं कम रिस्क लूंगा लेकिन मेरे को मार्केट रेट चलेगा मतलब वो एफडी वाला बंदा वो बोलता है मेरे को रिस्क नहीं मांगता अब मैं तुमको एक चीज बता कोई भी रिस्क ऐसा बोला अगर कोई बंदा ऐसा है जो बोलता है जिसका रिस्क अवर्स हाई है सुन मेरी बात ध्यान से अगर कोई बोलता है कि उसका रिस्क अवर्स हाई है मतलब वो हमेशा यही चाहेगा कि उसका रिस्क लो हो और रिटर्न्स भी लो होगा चलेगा पहले ये समझ में आएगा सब हेलो क्या ना इसे मैं ये भी बोल सकता हूं दीज आर द पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक रिस्क क्या टू टेक रिस्क एक मिनट दीप हाँ बोल अभी कॉशियस हाँ मतलब मेरे को रिस्क नहीं लेने का मतलब किस कोई अगर तुमको सम बोला कि इस बंदे का रिस्क अवर्स हाई है तो समझ जाने का वो ऐसा सिक्योरिटी चूज करेगा जिसका सिक्योरिटी मतलब जिसमें रिस्क बहुत कम है बराबर लेकिन किसी ने अगर बोला कि उसका ना रिस्क अवर्स जो है वो लो है इसका मतलब क्या हुआ बोलो अगर उसका रिस्क अवर्शन लो है ना मतलब ही इज रिस्क सीकर तुमको समझा किसी भी इन्वेस्टर का अगर रिस्क अवर्स हाई है तो वो क्या बोल रहा है वो रिस्क नहीं लेगा उसको रिटर्न्स भी लो मिलेगा चलेगा अभी रिस्क सीकर कौन होता है रिस्क सीकर एक ऐसा बंदा होता है जो हमेशा एक चीज बोलेगा भाई मेरे को रिस्क हाई मांगता है और रिटर्न्स भी हाई मांगता है ओके ऐसे इन्वेस्टर मोस्टली पता है किसमें खेलता है कॉमन स्टॉक में कॉमन स्टॉक यूएस में इक्विटी शेयर्स को कॉमन स्टॉक बोलता है ब्रैकेट में मैं लिख भी देता हूँ इक्विटी शेयर्स वो लोग रिस्क लेंगे तो उनको रिटर्न्स भी हाई चाहिए खत्म ओके तो कैन आई से इसका रिस्क अवर्स इज लो बोलना इसका बोल सकता हूँ ना इसका जो रिस्क अवर्स है दैट इज लो रिस्क न्यूट्रल कौन होता है रिस्क न्यूट्रल वो लोग होते हैं दे विल इन्वेस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ रिस्क तुमको समझा क्या रिस्क उसको रिस्क से फर्क ही नहीं पड़ता उसको बराबर है चलो अभी मैं तुमको ना कुछ चीजें सब बताता हूँ इन्वेस्टर के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं ध्यान से मेरी बात समझना पॉइंट नंबर वन इन्वेस्टर विल डिमांड हाई रिटर्न्स फॉर टेकिंग हाई रिस्क क्या समझ में आया For taking high risk. Point number two. नहीं ये तो था ये चलेगी ओके ये तुम्हारा पॉइंट था पहले ये समझ में आया क्या कितना डन बोलो ऑनलाइन वालों सबको आया समझ में ये yes, sir. प्रियंका तू क्लास में है प्रियंका सर समझा ये yes. ठीक है चलो अभी आते हैं एक टॉपिक पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं अभी आपको तुमको बताना चाह रहा हूँ चलो अभी तुमको क्या सिखा रहा हूँ देखो यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा जब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ अभी मैं तुमको ये क्या सिखा रहा हूँ पता है कि एक इन्वेस्टर
कैसे एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालेगा। क्या क्या बोला मैं अभी, मैं तुमको क्या सिखा रहा हूँ, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेडली होता है, एक्सपेक्टेड होता है, वेरी गुड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न सिखा रहा हूँ। ओके ओके अभी सुनो, इसके लिए निकालने के लिए ना उसने एक एफएम वालों ने एक फॉर्मूला दिया जो मैं तुमको आराम से पहले पहले सिखाऊंगा, फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं लॉजिक सिखाऊंगा क्या होता है, आराम से समझ। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है, एक बात बताओ, कोई आदमी को रिस्क लेने का ही नहीं, उसको रिस्क ही नहीं लेने का, तो एक बात बताओ मार्केट में सबसे मिनिमम रेट का सिक्योरिटी जो भी होगा ना वो उठा लेगा, मतलब जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी। ओके एग्जाम्पल तुम एफडी में गया, एफडी 6% तुमको देगा ही देगा, मतलब एक बात बताओ अगर तुम रिस्क लो या मत लो 6% तो तुमको मिलना ही मिलना, पता पता नहीं। उसको क्या बोलते हैं, पहले तो उसको समझो, उसको बोलते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी रेट। ये था तेरे को, तू बीएफएम वाला ऑब्वियसली होगा तेरे को, रिस्क फ्री सिक्योरिटी मतलब एक बात बता, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, दिस विल गिव यू 6%, मतलब कैन आई से ये मैं बोल सकता हूं दैट दिस यू विल गेट विदाउट टेकिंग रिस्क, पहले ये समझा क्या, विदाउट टेकिंग रिस्क इतना तो मिलने मिलने वाला ही। अगर किसी इन्वेस्टर ने अगर रिस्क लिया तो नेचुरल सी बात है ही शुड एक्सपेक्ट अ हायर रिटर्न्स। एम आई क्लियर टू यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बोलना। हाँ बोलना ही पड़ेगा। ठीक, अब मैं कुछ चीजें बताता हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको हम लोग डिनोट करेंगे आज के बाद आर एफ से, रेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, इसको आर एफ बोलते हैं। ओके अब मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ इसके ऊपर, समझो आर एफ मतलब क्या है। पॉइंट नंबर वन, ऑल्सो कॉल्ड एज रिस्क फ्री रेट मतलब इसमें तेरे को कोई भी रिस्क नहीं है, जो रेट तेरे को मिलने वाला है बराबर, अवेलेबल ऑन सेफेस्ट सिक्योरिटी ऑफ यूएस। मैं इंडिया का नहीं पढ़ा सकता, क्यों? ओके सेफेस्ट, एकदम सेफेस्ट, उसको यूएस ट्रेजरी बिल्स भी बोलते हैं, बराबर यूएस ट्रेजरी बिल्स। आ जाओ एग्जाम्पल दे रहा हूं, यूएस ट्रेजरी बिल्स, जॉल में क्लास में एग्जाम्पल क्या क्या बोला मैंने, यूएस ट्रेजरी, ये सब बताऊंगा ये क्या क्या होता है, आगे आएगा यूएस ट्रेजरी बिल्स। अच्छा मेरे को एक बात बता, इसका रिस्क कितना होगा? जीरो, जीरो बराबर। अब मैं तुमको एक और चीज बताता, एक बात बताओ, अगर मैं तुमको बोलू रेट ऑफ मार्केट, रेट ऑफ मार्केट, अब अगर तुम कोई भी सिक्योरिटी में पैसा डालोगे एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो देखो अमाउंट मिलेगा, मतलब मैं ऐसा सोच के चल रहा हूं कि अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूं रिस्क लेके तो मेरे को कोई ना कोई सिक्योरिटी ना 10% तो दे ही देगा, बता पता कि 10% तो मेरे को दे देगा, कैन आई से विथ टेकिंग द रिस्क। पहले ये समझा क्या, मतलब मैं रिस्क ले रहा हूं तो मेरे को 10% मिलेगा। एक बार बता, तो ऑब्वियसली बात है तो मेरे को एक्सपेक्ट मैं कितना करता हूँ 10%, मतलब हाँ मतलब लाइक अभी मैं लूज रिस्क तो 10% मिलेगा, बट ऑब्वियसली इफ आई एम टेकिंग रिस्क मैं नॉर्मली 6 कमा सकता था, मैं 10 क्यों छापने का कोशिश करता हूँ, ऑब्वियसली बिकॉज आई एम टेकिंग द रिस्क एट दिस मोमेंट। पहले ये समझ में आया क्या? चल यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ मैं, एवरेज रिटर्न्स गिवन बाय अ मार्केट। पहले ये समझ में आया क्या? ओके चलो अब मेरे को एक बात बताओ, कैन आई से आई एम गेटिंग 4% फॉर टेकिंग द रिस्क, आई एम गेटिंग 4% एक्स्ट्रा फॉर
बाई टेकिंग द रिस्क. कैसे? अगर मैं रिस्क नहीं लेता तो 6 था, रिस्क ले रहा हूं तो 10 बन गए. ओके, अब मेरी बात सुनो. एक और कॉन्सेप्ट है जो मेरे को तुमको सिखाना पड़ेगा. इट इज कॉल्ड एज रिस्क प्रीमियम. इट इज कॉल्ड एज रिस्क प्रीमियम. अभी रिस्क प्रीमियम कैसे निकालूंगा तो मैं एक छोटा सा एक फॉर्मूला लगा रहा हूं. आई होप तेरे को समझेगा. तुम मेरे को बोल रहा है 4%, और ये 4% आया कैसे? तुम बोलेगा 10% माइनस 6%. कैन आई से इट्स नथिंग बट इट्स अ रिवॉर्ड. इट्स अ रिवॉर्ड. It's a reward for taking. It is reward for taking additional risk. क्या ये सबको समझ में आया क्या? Reward for taking additional risk. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? It is reward for taking additional risk. अब मेरी बात समझ. ये RF था, इसको RM बोलते हैं. RM. और इसको आर एम माइनस आर एफ बोलते. तीन कॉन्सेप्ट आएगा समझ में. रिस्क फ्री सिक्योरिटी क्या होता है, रेट ऑफ मार्केट क्या होता है, और रिस्क प्रीमियम. ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या इसमें? बोल. नॉट फ्रॉम माय साइड सर. होता है. नॉट फ्रॉम माय साइड. ओके, ये मैंने सिखाया है तुमको. हाँ चलो, मैं तुमको अच्छा इंसान भी बनाना सिखाता हूँ. तुम लोग ही बस ऐसा, तुमको ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे मस्ती खोर बन गए, बट ऐसा नहीं. मैं तुमको अच्छा इंसान भी बना. अच्छा, ये तो उसको सिखा रहा है. उसने कुछ नहीं किया था भाई, सिर्फ चुपचाप बैठा ही था वो. चलो आ जाओ. सुनो, अभी मुझे बात बताओ. सुनो अब, लेकिन क्या होता है मालूम है? कोई भी जो सिक्योरिटी होता है ना, अब मेरी बात ध्यान से समझना. रिस्क प्रीमियम वो है जब मार्केट एकदम सही चालू है. ओके, लेकिन एक बात बताओ, कुछ सिक्योरिटी ऐसा होता है ना जिसका कुछ ऐसा पॉइंट्स होता है. मैं तुमको अच्छे से सिखाता हूँ. देख, कभी कभी क्या होता है मालूम है? एक चीज बता दो, अगर तुम्हारा मार्केट Samir, you are asking something? चलो अब मैं क्या बोल रहा हूं. लेट्स से तुम्हारा मार्केट 10 पॉइंट बढ़ गया. तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो तुम्हारा सिक्योरिटी है, ओके, लेट्स से जो तुम्हारा सिक्योरिटी है या शेयर्स है वो भी 10 पॉइंट बढ़ जाए. पॉसिबल है? पता बना. लेट्स से तेरा मार्केट अगर 10 पॉइंट बढ़ा, तो ये पॉसिबल है कि तेरा सिक्योरिटी प्लस 5 पॉइंट बढ़े. कुछ सिक्योरिटी ऐसा होगा कि तेरा अगर मार्केट 10 पॉइंट बढ़ा तो तेरा सिक्योरिटी माइनस 10% डाउन हो गया. मतलब डाउन हो गया. पॉसिबल है ना? सिक्योरिटी की बात कर दो. मतलब अगर मार्केट 10 पॉइंट अगर बढ़ा और तुम्हारा सिक्योरिटी भी 10 पॉइंट ही पड़ रहा है, इसको बोलते हैं योर बीटा इज 1. अभी बीटा में तुमको एक्चुअल लैंग्वेज में बताता हूँ क्या होता है. बीटा होता है मार्केट का परछाई, उसका शैडो. मतलब तुम्हारा सिक्योरिटी को तुम मार्केट से लिंक करोगे. क्या बोला? तुम्हारे सिक्योरिटी को तुम अपने शेयर्स के साथ लिंक करोगे. मतलब अगर वो बोल रहा है कि अगर तुम्हारा मार्केट 10% बढ़ा तो तुम्हारा एक मिनट दो. चलो, अगर तुम्हारा मार्केट 10 पॉइंट बढ़ा तो तुम्हारा सिक्योरिटी भी 10 पॉइंट बढ़ रहा है. एक बात बता, तो तेरा सिक्योरिटी और मार्केट, इसका कोरिलेशन 1 आया. अभी सुन, इसी चीज को बोलते हैं बीटा. बीटा इज अ मेजरमेंट ऑफ द मार्केट टुवर्ड्स योर सिक्योरिटी. क्या बोला? अर्जेंट फोन है तेरा, एक मिनट रुको. सर हाँ, एक मिनट, मैं कुछ बोला ही नहीं. बोल बोल.
ये नहीं समझ रहा लाइक सिक्योरिटी का मैं चालू ही किधर किया जो तेरे को समझेगा रुक ना सुन मैथी में क्या बोल रहा था अगर मार्केट 10 पॉइंट ऊपर पड़ा मार्केट पता है ना निफ्टी सेंसेक्स ये सब आते रहता है अगर मैं बोल रहा हूँ तेरा मार्केट 10% बढ़ा तो तेरे सिक्योरिटी का प्राइसिंग में ना 10% बढ़ गया बराबर है इसको बोलते हैं जब तुम ये जब चेक करो उसको बोलते हैं बीटा बीटा इस सिक्योरिटी का बीटा तुम बोल सकते हो 1 है मतलब अगर तुम्हारा 10 पॉइंट सिक्योरिटी बढ़ा तो तुम्हारा सिक्योरिटी भी 10% से बढ़ेगा अब तुम मेरे को सोच के बताओ जो ये +10 वाला है और तुम्हारा से अगर 10 पॉइंट बढ़ा और तुम्हारा सिक्योरिटी +5 पॉइंट से ही बढ़ा तो तुम्हारा बीटा कितना है वेरी गुड लेस देन 1 आई कैन से 0.5 बराबर है पक्का समझाइए इसका बीटा कितना इसका बीटा -1 आएगा इसका बीटा -1 आएगा ऐसा कौन सा सिक्योरिटी है जिसमें तुम जिंदगी में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे -1 वाले बीटा में क्योंकि ये पूरा उल्टा है मतलब अभी तो मैंने क्या बोला मार्केट बढ़ा तो सिक्योरिटी डाउन हो गया ये उल्टा भी हो सकता है कि मार्केट कम हुआ और तेरा सिक्योरिटी शूट हो गया तुम समझ रहे हो क्या कहां कभी भी नीचे हो सकता ठीक है पहले तुमको बीटा आया समझ में अब मैं ना कुछ तुमको लिख के देता हूँ समझो सर ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है ये रियल कॉन्सेप्ट होता है बीटा माइनस वन वाला नहीं सर ये पॉसिबल ही नहीं बीटा माइनस वन कोई सिक्योरिटी नहीं है सर ओके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एक होता है ना सर समटाइम्स बच्चा पूछ भी लेता है बच्चे का माइंड कुछ भी चलता है बोलेगा ऐसा okay. उल्टा हो गया तो मेरे को सिखाना पड़ता है वो ओके ओके बट सर यू कैन दैट इट कैन बी पॉसिबल दैट बीटा इज लेस देन 0 यस बराबर ना वो भी सर हो सकता क्या है तुझे एक एक मिनट में तेरे क्या क्या हो गया तेरे को हाँ वो बोल हो गया ना हाँ बोल मैथी बोल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा एग्जांपल के साथ समझा बेटा सुन तेरे पास समझ टाटा के शेयर सर बराबर है मार्केट 10% बढ़ा तो तेरे शेयर का प्राइसिंग भी 10% बढ़ गया बराबर है तो क्या हुआ तेरा बेटा हुआ 1 बराबर ना सेम हुआ अगर मार्केट 10 पॉइंट बढ़ा तेज सिक्योरिटी का वैल्यू 5% बढ़ा समझी तो हाफ बढ़ा ना हाँ इससे बीटा क्या हुआ 0.5 हाँ अभी समझा मुझे ये नहीं बोल रही है अब भी बोल रही है अभी समझा मुझे ठीक है समझो अब मैं तुमको कुछ चीज बता रहा हूँ ये जो मैं बीटा बार बार चिल्ला रहा हूँ ये क्या है समझो बीटा एक बात बताओ बीटा इज लिंक्ड टू द मार्केट बराबर ना मार्केट से लिंक्ड है मार्केट नहीं तो बीटा भी नहीं ओके तो मेरे को एक बात बताओ समीर बीटा कैन नॉट डाइवर्सिफाई आप सी कैन डाइवर्सिफाई योर सिक्योरिटीज नॉट बीटा ओके तो बीटा पता सिस्टमैटिक अभी ये किस रिस्क को मेजर करता है सिस्टमैटिक रिस्क को या अनसिस्टमैटिक सिस्टमैटिक को सर अनसिस्टमैटिक वो सिस्टमैटिक रिस्क हुआ या ये अनसिस्टमैटिक बोल रहा था सुनो मैंने तुम्हारे लिए ना ऐसा छोटा छोटा नोट्स बना के रखा है तुम्हारी बुक में तो है लेकिन ये भी तुमको बुक में छापना पड़ेगा तुमको तुम्हारे नोटबुक में ये जो भी मैं लिख रहा है छापना पड़ेगा मैं जो अपना नोट्स बनाता हूँ अपने पढ़ाने के लिए वो नहीं दूंगा तुमको बिकॉज दिस इज टीचिंग नोट्स कब सोचा है मैं कब छोड़ूंगा सच सच बोल नहीं छोड़ेगा बात देखो भूख लगा शिट मैं फिर भी नहीं खिलाऊंगा तुम क्या बोल रहा है टी कॉफी क्या खिला दो सबे खिला दो अच्छा सबको खिला दो मैत्री सुनना मैं मंडे सबको पार्टी देने वाला था वो सर व्हाट इज द रिफंड पॉलिसी काय को बे रोहित काय को मांग रहा तू रिफंड नोट्स नहीं दे रहे हो ना बेटा इतना तो तू लिख सकता है ना रे मजाक किया सर दे लिख लूंगा इन
अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, अगर मैं कल के बदले इनको आज पार्टी दे दूँ तो चलेगा क्या? हाँ ठीक है चलेगा। शिट, इतनी अच्छी कैसे बन गई थी तू, सत्संग विसंग जाती है क्या अभी? सर मैं पहले से अच्छी हूँ, मैं मीन नहीं हूँ वैसे भी। तू पहचान दी इसको? मैं तो तनिषा नहीं, रहमत रहमत ये पता है, ये तनिषा तेरे बारे में कब से क्या क्या बोल रही थी, को सुनाई दे रहा है कि नहीं माइक में? मैं तो एनी मैसेज फॉर तनिषा? नो सर। डर गई मैं तो बोल दूँ मैं कल क्लास में आती हूँ। सर वैसे भी कल क्लास में आ ही रही हूँ। बस तू आ कर, तू कर तोड़ते हैं इसको अपन, आ जा तू। तनिषा ना उसको तो तोड़ना ही है वैसे भी। वैसे भी मतलब ये सर मैं ऑनलाइन बैठी हूँ ना तो बहुत बोलती है, आई नो दैट। उसने भी ऐसा चीज बोला ना, मैं देखो बोल ही सकता माइक पे। तनिषा मैं गल आ रही, तू रुक खाली। बस हो गया, एक बार दो बार बोल दिया ना, अभी तीसरी बार नहीं बोलेगा। वो बोलते आने दो उस बॉडी बिल्डर को, ऐसा उसने बोला उसने। हाँ ना सर, वो तो अभी बोलेगी, कल देखते हैं। क्या देखते हैं सर? मैं तनिषा के ऊपर 200 रुपया लगाओ अकॉर्डिंग टू मानसी स्टॉक इंडेक्स। चलो अभी मैं कुछ लिखा है इसमें, आराम से पढ़ते हैं। बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, दैट इज हाउ मच इन्वेस्टमेंट विल मूव अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ ओवरऑल सिस्टम। अभी एक बात बता, इधर पे ओवरऑल सिस्टम नाम का वर्ड डाला है, इसकी वजह से अनसिस्टमैटिक रिस्क हुआ ना यार, बोला ना अच्छा है वो तो बोला, मैं तो पहले ही बोला था मार्केट उसको। चलो एग्जाम्पल, हाउ मच स्टॉक विल मूव According to the movement of stock index. Stock index तुमको मत बता, अपनी क्या है निफ्टी और सेंसेक्स। ऐसे यूएसए में तुमको नैसडेक मिलेगा, एनएससी और बीएससी का सेंसेक्स। वेरी गुड, अपन वो यूरोनेक्स्ट भी है ना? हाँ यूरोनेक्स्ट, यूरोनेक्स्ट ये यूके का है ना? ये मेरे को इतना शेयर मार्केट का नहीं पता है भाई, मेरे को यूएस का पता है, नैसडेक होता है। चलो आ जाओ, अभी मैं कुछ चीज बता रहा हूँ, इसमें एक चीज तुमको लिंक कर रहा हूँ, देखो ना इधर। ये टाइप ऑफ इन्वेस्टर सीखा था अपन ने, एक बात बता, जो कोई ना कोई तो होगा ना। अब मैं देखो ऐसा एक चीज पूछता हूँ, देख इधर ध्यान से देख। सपोज कोई एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, क्या ना इसे वो कौन से बीटा में डील करेगा? सुन, वो ऐसे बीटा में डील करेगा जिसका बीटा मोर देन वन हो। क्या बोलता है बताओ ना, जिसका बीटा एग्जाम्पल 1.5 हो, या तो ऐसा बीटा जिसका कुछ भी हो जाए, चल लेस देन 1.5 लेकिन लेस देन 1 नहीं एक्सेप्ट करेगा वो। क्या बोलता है बराबर? ये अग्रेसिव इन्वेस्टर का निशानी है, तुमको समझा ना? ये अग्रेसिव इन्वेस्टर क्या मतलब, रिस्क ले लेगा। तो एक बात बता, इसका रिस्क अवर्स हाई है या लो है? लो। इसका रिस्क अवर्स हाई है या लो है? सर रिपीट करो ना, किसका मतलब रिस्क अवर्स क्या होता है? वो ऐसा बंदा होता है जो लो रिस्क लेगा और लो रिटर्न चाहिए उसको। ऐसा जो बीटा जिसको मोर देन वन चाहिए, वो बंदा रिस्क अवर्स जो है उसका, वो हाई है या लो है? लो है सर। तो होगा ना यार, क्या बोल रहे हो तुम लोग, इधर यहाँ उधर। रिस्क अवर्स बंदे का हाई रिस्क अवर्स कब बोलता है? जब वो लो रिस्क लेता है और लो रिटर्न चाहिए। अगर बीटा हाई है मतलब तू सिक्योरिटी का हाई रिस्क ले लेगा ना यार, बराबर? तो उसका क्या है रिस्क अवर्स क्या है उसका? लो है, बराबर? चलो एक होता है अग्रेसिव इन्वेस्टर। अगर दूसरा बंदा कोई ऐसा है जो डिफेंसिव इन्वेस्टर है, डिफेंसिव इन्वेस्टर, तो वो क्या करेगा बोलो? वो क्या करेगा बता?
वो समटाइम्स ही माइट प्ले लाइक दिस, बताओ ना इसका इसका सही है, या तो किसी ऐसे सिक्योरिटी में डालेगा जिसका बीटा जीरो, क्या बोलते हैं जिसका बीटा जीरो, या तो वो कोई ऐसे सिक्योरिटी में डालेगा, क्या हर बार एक ही चीज आ रहा, बस इतना ही बोल सकता हूँ और क्या बोलूँ, माइनस में तो थोड़ी वोट डालेगा, तुमको समझा। अब मैं तुमको एक चीज पूछता हूँ, देखता हूँ कितने लोगों को आंसर आता है। व्हाट इज प्राइम में भी डाल सकता है ना वो सर, इसमें बीटा 0.5 में भी डाल सकता है ना डिफरेंस। हाँ सुन ना रोहित, तो उसका मतलब यही हुआ ना, लेस देन वन मतलब उतना ही हुआ ना। हाँ हाँ बता रहा था सर। चलो अब मैं तुमको एक चीज पूछ रहा हूँ, जो भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है ध्यान से आंसर दे, उसका बीटा क्या होता है? जो भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है उसका बीटा क्या होगा? बीटा जीरो। उसका बीटा जीरो है बिकॉज उसको मार्केट से फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ चीजें लिख के दे रहा हूं, हमेशा जिंदगी भर याद रखना। मार्केट जो होता है ना, मार्केट का जो बीटा होता है वो ऑलवेज वन होता है। मार्केट का बीटा, तुमको समय पूछेगा मार्केट का बीटा क्या होता है तो बोलने का वन, और कोई तुमको पूछेगा कि आरएफ का बीटा कितना होता है तो बोलने का बीटा इज जीरो। ये दो चीज याद रखना। ठीक है, अभी चलो कम ऑन दिस रिस्क वाला, यहां पे आ जाओ। ये कुछ याद है क्या? एक बात बताओ, ये जो भी मैंने अजम्पशन लिया ना, वो अजम्पशन ये लिया है कि बीटा तुम्हारा वन है। अब एक बात बताओ, तुम किसी ऐसे सिक्योरिटी में पैसा डाल रहे हो जिसका बीटा साला हाई है, तो तुम समझ रहे हो यू आर टेकिंग एडिशनल रिस्क, यू आर टेकिंग एडिशनल रिस्क। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूं, सुनो। एक इन्वेस्टर है, ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल देता हूं, लेट्स से प्राजक्ता। प्राजक्ता एक इन्वेस्टर है, वो बोलती है मेरे को एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है। वो बोल रही है उसको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है और उसको उसका रिटर्न 6%, उसका रिटर्न 6%। मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूँ, उसको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में ही डालने का है पैसा, तो उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? कैसे वो रिस्क ही नहीं ले रही है। तो मुझे एक बात बताना, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ना उसका उसको 6% मिलना था और उसका मार्केट कितना दे रहा है, उसको मार्केट कितना दे रहा है? 6% ना, 6% ही दे रहा, 6%। और रिस्क फ्री रिटर्न्स कितना? तो अगर तू इसका कैलकुलेशन करेगा तो ये 6% प्लस 0 इज इक्वल टू 6% आया। पहले ये सबको समझ, ब्रैकेट में क्या किया वो नहीं समझा मतलब। ठीक ना, ये रिस्क प्रीमियम बेटा, रिस्क प्रीमियम। अभी इस पे वही तो सिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बताएगा, बता दो। सुनना, ये रिस्क प्रीमियम है ना, रिस्क लिया ही नहीं इसलिए रिस्क प्रीमियम इज जीरो। ए रोहित, हाँ सर, हाँ बराबर। लेट्स से अपना रोहित, रोहित बोलता है सर मार्केट में ना 6% रिस्क फ्री का अमाउंट मिलता है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं मार्केट में पैसा लगा, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि उसका ये 12% आए। 15 कैसे बच्चे मिले, 15 बस। और वो ऐसे सिक्योरिटी में डालना चाहता है जिसका सिक्योरिटी मार्केट से पूरा लिंक हो, मतलब ही इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ बीटा वन, बराबर। तो इसका कैलकुलेशन ऐसे लिखूंगा मैं, 6% तो मिलना ही मिलना है, साथ ही साथ उसको मार्केट कितना देगा? 15%। लेकिन ये तो रिस्क प्रीमियम निकालने का ना, मेरे को कितना कितना मिल रहा है? 6%, बराबर। और मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय ना 1 करता हूँ, क्योंकि मार्केट में पैसा डालने वाला है ना ये, और ये एक्सपेक्ट क्या करता है, जितना मार्केट बढ़ेगा उतना मेरा सिक्योरिटी बढ़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, कैलकुलेशन कैसे करो? क्या ना इसे 6 मल्टीप्लाइड बाय 7,
बराबर ना, 15 - 6 = 7। हाँ मैं देख रहा था कि तुम लोग को मैथ्स आता है क्या। 9%, ये कितना आया? मुझे एक चीज समझना है तुमसे, ये साला ये दोनों सेम कैसे हो गया? ये सेम कैसे हो गया सर? उसने मार्केट में पैसा डाला है और वो ऐसे करेक्ट सर, और उसने ऐसे सिक्योरिटी में पैसा डाला है जिसका 10% रिस्क है भाई। बेटा मार्केट में डाल दिया ना पैसा उसने, उसने ऐसे सिक्योरिटी में पैसा डाला है 10 पॉइंट वाले में, तो इफ ही इज एक्सपेक्टिंग 15 फ्रॉम मार्केट तो उसको 15 ही देगा ना वो। मार्केट में पैसा डाला वो 15 एक्सपेक्ट करता है, और जब वो ऐसी सिक्योरिटी में पैसा डाल रहा है जिसका बीटा 1 है तो उसको उतना ही मिलेगा ना, बराबर। लेकिन अभी क्या बता, अभी अपना एक इन्वेस्टर है सुयश, सुयश बोलता है सर रिस्क फ्री रिटर्न 6% चाहिए। सुयश बोल देखो कितना मांगता है। नहीं बोलेगा ठीक है, मत बोल। सुयश को 16 मांगता है, ठीक है मैं तेरे को 14 दिया। ये हीरो पता है क्यों बोला, रोहित 15 बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन ये इतना मतलब रिस्क अवर्स इसका इतना लो कि बोलता है मैं ऐसे सिक्योरिटी में पैसा डालूंगा जिसका बीटा 1.2 होना चाहिए। तो मुझे एक बात बता, तू मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा है 14 या उससे ज्यादा? ऑब्वियसली उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मतलब तेरा रिस्क प्रीमियम भी ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं तुमको मोटा मोटे रिस्क प्रीमियम पूछता तो तुम क्या बोलते पता है मेरे को? 8%। कहां से आया 8%? 14 - 6 बराबर ना, 14 - 6 = 8। बट अभी मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, आई एम टेकिंग एडिशनल रिस्क बॉस, मैं ऐसे सिक्योरिटी में पैसा डाल रहा हूँ जिसमें अगर 10 पॉइंट बढ़ा तो सिक्योरिटी 1.2 टाइम्स बढ़ेगा। ए मैत्री समझ में आ जाएगा? हाँ सर। चलो तो कैलकुलेशन कैसा होगा, 6% तो मिलना ही मिलना है, दूसरा प्लस कितना मैं बोलूंगा ब्रैकेट में 14 - 6 कैन आई से दिस इज योर रिस्क प्रीमियम, बट मैं रिस्क प्रीमियम ज्यादा ले रहा हूं बिकॉज मैंने ऐसे बीटा में पैसा डाला है जो मेरे को इसके ज्यादा देगा, तो मैं क्या करूंगा पता है, मल्टीप्लाइड बाय 1.2। प्लीज हेल्प मी विद, ये कितना है 14 - 6 कितना आता है? 12% आएगा। अरे ये सुस्तल आदमी कर, अरे बेटा 8 × 1.2 = 9.6 15.6 15.6 15.6। प्लीज एक चीज अश्योर करो, ये रिटर्न और ये रिटर्न सेम नहीं आया। ए मैत्री देख, तुमको मार्केट से उम्मीद कितना था? 14, लेकिन तुम क्या किया, ऐसे सिक्योरिटी में पैसा डाला जिसका बीटा 1.2 है। कितना आ रहा है? 15.16। अबे कैसे आएगा, 9 + 6 = what? सर 16.8 आ रहा है। 14 - 6 = 6 + 8 = 1.2। ए भाई इधर मैथ्स तुमको सिखाना पड़ेगा, इधर आओ। एक कौन सा रूल है, सो कोई मैथ्स का कोई रूल बोलता है ना, मेरे को भी पता है ये तो छुप रहे, गॉड मास रूल है तुमको, ये मेरे को नहीं पता है क्या होता है, बट मैं तुमको बताता है सुन। वो पहले बोलता है पहले डिवाइड करने का, फिर मल्टीप्लाई करने का, फिर प्लस और माइनस। क्या हंस क्या रही है? 15.6 वाज राइट। सुनो मेरे बच्चों पहले इसको सॉल्व करना। अरे ये सीसीटीवी रुकना थोड़ा, पहले तुम लोग इसको सॉल्व करो। कितना आया? कर लो बेटा 15.6 साला 15.6। मैत्री बाबू हाँ सर वो समझा मुझे, मैं देखो मैत्री बाबू बोला तो यही हंसी पहले इतनी ऐसी, सर वो तनिष्का है ना, हाँ इसलिए
नेक्स्ट टाइम देखो कुछ बोले ना तो बस ना तू ना एक गाना गा देना ओ बल खुदा ठीक है सुनो ऐसा कोई इन्वेस्टर था करेक्ट अब मेरी बात सुनो अब एक और इन्वेस्टर है कोई ओके लेट्स से मुस्कान एक इन्वेस्टर है जिसका रिस्क फ्री रिटर्न आया 8% वो ऐसे सिक्योरिटी में जा रही है जहां पे 8% मिल रहा है उसको रिस्क फ्री मतलब मिनिमम उतना तो छाप ही लेगी How are you? Are you fine? काला काला फेस आ रहा है मैं इतना काला भी नहीं हूँ जितना मेरे को काला वीडियो दिखा रहा है चलो हाँ मैं क्या बोल रहा था कुछ तो बोल रहा था हाँ ये बेटा कितना चाहिए था मुस्कान तेरे को तो बोल कितना चाहिए तेरे को सर 20% बोल सकते हैं छोड़ यार अभी तो नहीं तो फिर रोने लगेगी मैं मैंने बोल रहा था नहीं लेकिन ना बंदी बहुत शांत है उसको उसको रिस्क नहीं लेने ओके लेकिन वो चाहती कि ऐसा मेरे को सेम भी नहीं चाहिए थोड़ा कम मिलेगा चलेगा तो उसका पता है वो बोलती है मेरे को ऐसे सिक्योरिटी में डालने का है जिसका बीटा 0.75 हो माय क्वेश्चन टू यू इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 20 से कम आएगा या ज्यादा आएगा क्या बात है यार क्या पढ़ाता हूं मैं वेरी गुड क्या बोला कुछ तो बोला थे 6% प्लस 20 माइनस 6 8% सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 सर ओ सॉरी हाँ रोहित बोल वो रिस्क पे 8 है ना 6 लिखा आपने अरे हाँ भाई गलती हो गई लोग यार मार डालो हमका मार डालो सर ये तो कम आ रहा है तो कमी आएगा ना बेटा क्योंकि देख अगर तो, सुनना मैत्री अगर हाँ, मुस्कान बीटा 1 में डालती ना तो उसको हाँ, मुस्कान को 20% मिलता बट मुस्कान ने ऐसा सिक्योरिटी चूज किया जिसका बीटा इज लेस देन 1 ना यस तो उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लो ही आना है कितना है 17 मुस्कान समझाइए हां सर सर तो मतलब अगर 1 से कम वो एक्सपेक्ट करे मतलब सर बीटा 1 से नीचे हो तो मोस्टली कम ही आता है ना रिटर्न यस यस बराबर सर सर बोल ये बीटा मतलब देते हैं क्या कंपनीज कि हमारा बीटा 1 है एक मिनट तेरे को भी बताता हूँ रुको अबे कुछ दिखा रहा हूँ सर क्या क्योंकि मेरे को ना सुबोली ए चिंटू इधर आ ए चिंटू इधर हाँ सर ये देख तेरे को एक चीज दिखाता हूँ इधर एक मिनट मैं फोटो हटाने दे पहले मेरा फोटो बीच में आ रहा नो थैंक्स सुनो अभी ध्यान से इधर नीचे आना तुमको इसका बीट यार किधर गया ये देखो कहीं ना कहीं बीटा बीटा दिया तुमको इसका ढूंढो किधर बेचारा ऐसे देख 0.97 दिया हुआ बीटा के लिए तो ये दिखा क्या मतलब हाँ इसका मार्केट से रिफ्लेक्शन 0.975 हाँ सर अभी मैं एक और सिक्योरिटी दिखाता हूँ तुमको अरे रे अजंता फार्मा नाम का एक कंपनी है बीटा देख पॉइंट्स मतलब मार्केट से लिंक ही नहीं है इसका मार्केट बढ़ेगा तो कुछ भी होता अभी अदानी का लेते हैं अपन चलो अदानी पोर्ट्स लेते नहीं 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 सर ये तो 1 के नीचे था तो फिर माइनस में क्यों नहीं है मतलब रिटर्न सॉरी माइनस इज लेस देन 0 होता है
सर वैसा नहीं पूछ रही हूँ. Which school? Which school? अरे सर रुको. Peter Flower. No. सर आई एम आस्किंग कि मतलब वो माइनस माइनस क्या वन के नीचे था ना तो 0.16 था तो उसका रिटर्न्स तो कम ही आना चाहिए ना. काइंड कम ही आएगा ऑब्वियसली. यस यस ब्रो. अभी ये देख ये सिक्योरिटी देख. अदानी तुमको मालूम है ना पूरा मार्केट घूमता है. पूरा मार्केट कम हुआ तो शेयर्स भी गया. ये देख इसका बीटा देख 1.75 है. हाईएस्ट सिक्योरिटी है. हिमांशु सर कोई हाईएस्ट सिक्योरिटी है जिसका बीटा मतलब बच्चों को मैं दिखा पाऊं. हाई रिस्क सर मैं चीन में हाई रिस्क ईवीस वगैरह के अंदर अभी रहेगा के लेकर क्या एमआरएफ तो भाग रहे थे. एमआरएफ क्या इसका भी मेरे को लगता है इसका उतना नहीं होगा जहां तक मेरे को लगता है 0.7 होगा. ये बहुत ग्रोथ वाला शेयर है सर. इसको लेके रख लेने का बस. ये कभी ये नहीं होने वाला. एक और दिखाता हूँ चलो इन्फो मजा आ रहा है कि नहीं तुमको. मैं पूरा चैप्टर तुमको प्रैक्टिकल लिंक करके ऐसे सिखाएगा. थोड़ा एक्स्ट्रा फीस ले लेगा मैं तुमसे. सही है. एक और चीज इस वीक से अराउंड 6 या 7 लेक्चर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक लेक्चर होने वाला. ओके जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है हीना शर्मा एंड शी वर्क्स फॉर द यूएस कंपनी. वो उसको बहुत अच्छे से होते को बहुत कुछ सिखाएगी. 1 घंटे का लेक्चर वीक में एक बार होगा उसका. एटिकेट्स कॉर्पोरेट एटिकेट्स क्या होता है हाउ टू टैकल योर इंटरव्यू ये सब वो लेगी. कम से कम 10 लेक्चर उसको बोला है लेने के लिए. 10 से 12 घंटे में शी विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. ओके वीक में 1 घंटा होगा सर. कोई एक्साइटेड हीना सीरज हीना वो वाली हीना नहीं हीना शर्मा वो हीना को बोलूंगा तो मेरे पास बच्चे भी नहीं रहेंगे. चलो अरे क्या कितना टाइम लिया तूने अभी कौन से शेयर्स का दिखा रहा था. इनफी सर बोल. आउट ऑफ दिस क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ दिस बॉक्स एक क्वेश्चन था कि ये जो ग्राफ है ये ग्रीन और रेड क्यों है. लाइक वो अभी नहीं सीखेंगे वो बाद में सिखाऊंगा मैं. वो बाद में सीख. चलो गुड 1.25 ओके इनफी का मार्केट बढ़ा तो इसके शेयर्स 1.2 टाइम्स बढ़ जाएंगे. चलो बैक टू द टॉपिक. अभी दादा एंड सर वन थिंग जिसका जो कंपनी का बीटा 1 या 1 से ज्यादा है मतलब वो हाई रिस्क सिक्योरिटी राइट. हाई देख यार वो इन्वेस्टर के ऊपर है. अभी कोई आदमी ऐसा ना जो 2 बीटा में भी डालता है बोलता है मेरे लिए तो नॉर्मल है तो उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ ना यार. नहीं मैं मींस बता रहा हूं अगर इन जनरली बोल अगर इन जनरली तो पूछ रहा है. योर आंसर इज माय आंसर विल बी यस. या वही जनरली पूछ रहा था. करेक्ट करेक्ट. चलो आ जाओ. तो मतलब अभी सुनना एक चीज बताता हूँ तेरे को. मैं देखो एक चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे. तेरा रिक्वायर्ड रेट ध्यान से मेरी बात समझा. 1 मिनट 2 मिनट को मैंने ना इस पे कुछ लिख के रखा था. आई हैव टू सर्च. 1 मिनट 2 मिनट को बस. बहुत अच्छा चीज मैंने लिख के रखा जो अब तक मैंने नहीं पढ़ा था. विच आई एम गोइंग टू टीच यू. चल एक चीज है विच आई वॉन्ट टू टेल यू. ठीक है ध्यान से देख. कभी भी तुमको रिक्वायर्ड रेट बोलेगा ना तो ये आरएम है. मतलब क्या ना इसे इतना तेरे को लग रहा है मार्केट देगा. लेकिन तेरे कैलकुलेशन के हिसाब से एक्सपेक्टेड रेट मतलब विच यू कैन थिंक दैट यू विल गेट. ओके अब मेरी बात समझ. मैं तेरे को कुछ चीज पूछ रहा हूँ मेरे को आंसर देना कि तू ये सिक्योरिटी परचेस करेगा या नहीं करेगा. एग्जाम्पल नंबर 1 लेट्स से तेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 13% और तेरा एक्सपेक्टेड रेट जो तूने कैलकुलेट किया वो 12 आया. विल यू एक्सेप्ट दिस इन्वेस्टमेंट. यस सर. क्या बोल रहा है भाई तेरे को लगा तेरा मिलेगा एक्सपेक्टेड रेट मतलब कैलकुलेशन करने के बाद यू रियलाइज दैट दिस विल गिव यू 12% ओनली. तुझे लगा था मार्केट 13 देगा बट कैलकुलेशन के हिसाब से. अब मेरी बात प्लीज समझो. एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ऑलवेज कैलकुलेटेड. सर हमने सोचा था कि मेरे को इतना मिलेगा. हाँ वो तेरा अजम्पशन है.
मैं आई कैन से दिस इज योर अजम्पशन दैट यू विल गेट दिस बट कैलकुलेशन बाद आया बोलो एक्सेप्ट या रिजेक्ट ये रोहित अभी समझा क्या यस सर सर मुझे एक्सपेक्टेड रेट लगा वो अजम्पशन है हमारा नहीं नहीं एक्सपेक्टेड रेट अभी हम अपने जो कैलकुलेट किया वो एक्सपेक्टेड रिटर्न था भाई आई लव रिक्वायर्ड रेट तो दिया था ना हे भाई आदम तो देखे रखा था ना सब में हे भगवान क्या हो गया 10% 11% एक्सेप्ट यस नेक्स्ट 13.5 एंड 13% पीछे सर अगर दोनों सेम रहे उठा लेने का एक लड़का पूछता है दोनों सेम है तो क्या एक्सेप्ट ना जो तुम्हारा विश था तुमको तुमको मिल गया अरे सेम बेटा उसके जैसा समझना है एनपीवी के जैसा वही तो किया था एनपीवी जीरो मतलब जो तुम एक्सपेक्ट कर रहा था मिल गया दैट इज रेट ऑफ द प्रोजेक्ट ये समझा क्या बेटो हेलो आगे बढ़ो सर मींस रिक्वायर्ड हमारा अजम्पशन है एक्सपेक्टेड हमें जो मिल रहा है ना वो कैलकुलेटेड है ठीक है अब मेरी बात सुनो आते हैं मुद्दे पे आते हैं ये जो अपन ने कैलकुलेट किया ना यश एक मिनट सुन लेना बस सुनना ये जो अपन ने कैलकुलेट किया ना उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या बोलते हैं उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और ये मेथड को जिसको हमने यूज किया वो एक फॉर्मूला है तुमको पता भी नहीं चला मैंने फॉर्मूला यूज किया हाँ रूट टू ए सी डिवाइड बाय सी ओ ये वाला हाँ यही उसको सुनो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिटर्न बाय तोड़ फेंक दे अरे वो तनिषा का ना व्हाइट व्हाइट वाला छोड़ रख यार ये इस पे ध्यान तुम छुप रहे हो तो पहले फेंक दो वो तो एक ना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाय कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल कल ही जमीला को जॉब लगाया उसको ऑफर लेटर आया उसके इंटरव्यू के 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये था राइट The method of capital asset pricing model. ये इतना important है. This is a basic method which every investor should take into mind. चल, इसका formula क्या था मालूम है? सबसे पहले तुमने क्या किया था पता है? Risk free rate लिया था. Can I say this is? I can write this RF. RF. फिर तुमने plus क्या किया पता है? एक bracket बनाया, जिसमें जो required market return का था, उसको तुमने लिया. उसको तुम फिर से तुमने आरएफ से माइनस किया और उसको मल्टीप्लाइड बाय बीटा किया देख मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं चेक कर यस मैंने फॉर्मूला बाद में सिखाया पहले तुमको ये सिखाया कि ये बना कैसे देखो ये आरएफ था ये आरएम था ये आरएफ था उसको मल्टीप्लाई किससे किया बीटा के साथ जिंदगी भर याद रखना ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हर जगह आएगा क्या बोला मैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ मल्टीप्लाइड बाय बीटा समझा क्या अब मेरी बात सुनो कल कौन सा दिन होने का कल संडे होने का कल मैं सर, मुझे क्या मुझे एक डाउट है रिक्वायर्ड रेट और एक्सपेक्टेड रेट में बोलना सर रिक्वायर्ड रेट को तो हम ऐसा समझते हैं ना कि हमको ये रिटर्न चाहिए बेटा सुन ये तेरे को चाहिए था दिस वाज योर एक्सपेक्टेशन कि ये तो मिलेगा लेकिन जब तूने कैलकुलेट किया ना आस्था तो ये ऐसा आ गया अब एक बात बता तू अपने अजम्पशन को राइट समझेगी या कोई मॉडल जो आंसर देगा वो मॉडल को तो ऑब्वियसली ना तो ऑब्वियसली तेरा रिक्वायर्ड रेट तू सोची मैं 13 तो ले लूंगी बट तेरे को एक्चुअल वो रिटर्न 12 ही दे रहा है तो तू ऑलवेज ऐसा सिक्योरिटी परचेस करेगी जो तेरे एक्सपेक्टेशन से मैच करे yes, sir. तो तेरा मत था कि तेरे को 10% मिलना चाहिए तूने कैलकुलेट किया तो 11 मिल गया ऑब्वियसली यू विल एक्सेप्ट दिस
ओके सर समझ आ गया। एक सम दो क्या तुमको इस पे, एक बस का छोटा सा, मैं छोटा सा सम ऐसा मुंह बनाएगा ना तेरे को मार दूंगा मैं। हाँ कैसे, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे? एक मिनट रुको बोल, आज कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया ना अपन? यस सर। आज इतना पढ़ लिया अपन? इसका अलग ही दुख है लाइफ में। बोल बस ये चीज थी ना, बस अभी याद आया। चलो सर ये वीडियो आज ही अपलोड कर देंगे ना? अरे सर अभी मैं बिना अपलोड किए मैं जाऊंगा ही नहीं यहाँ से। सुनो सुनो भाई और बहनों, कल क्या होगा, कल मैं तुमको एक चैप्टर पढ़ाएगा पोर्टफोलियो एनालिसिस, और मैं कुछ ऐसे सम्स कराऊंगा जो अपने क्वेश्चन बैंक में नहीं है, क्वेश्चन बैंक में नहीं है। ये ऐसे सम्स है जो अपने क्वेश्चन बैंक में नहीं है, ये मैं अलग से सम मैंने चूज किया है, कुछ 30-40 सम्स है जो अपने क्वेश्चन बैंक के नहीं है, क्वेश्चन बैंक के बाहर के सम्स है। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा अपने एप्लीकेशन पे आजकल अपना एग्जाम करके एक टैब आया है जहाँ पे तुमको इंडिविजुअल क्वेश्चन दिख रहे हो, उसमें मैं तुमको सब बताएगा। जैसे मैं कल कर रहा हूँ तो मैं तुमको ऐसा असाइनमेंट वो समझ दूंगा मैं। हाँ हाँ क्वेश्चन बैंक दूंगा नहीं, वो सॉल्व करवाऊंगा 30-40 सम्स है, उसके बाद वी विल गो ऑन बी टू, कल बी वन खत्म खत्म हो जाएगा। ओके चलो प्यार से बाय बोलो सब लोग, बाय। और ये क्लास नोट्स भी डाल दीजिएगा। अरे सर आप मेरे को छोड़ोगे नहीं जब जब तक नोट्स नहीं मिलेगा, पता है मेरे को। चलो बाय। सर कल कितने बजे है क्लास? कल कितने, कल 11:30 का क्लास होने का। 11:30 से लेकर 11:30 से लेके जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान 3:30 3:30 सर। फिर आप उसका मिक्सचर भी बनाओगे ना जैसे सेक्शन ई में हुआ था? हां हां ये भाई अपना वीकेंड क्लास के फोल्डर में रहेगा ना सर ये लेक्चर? ये सर जहाँ पे अपना न्यू बैच है ना उसमें आएगा। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया वीकेंड। ये मैं सर ग्रुप में दूंगा, ये वाला अच्छा। ये वाला चार्ट में ग्रुप में दूंगा, वो आपको ये वीडियो वो न्यू फोल्डर में मिल जाएगा, न्यू बैच वाले फोल्डर में। न्यू बैच ओके, न्यू बैच हां ठीक है। बाय ऑल बाय बाय।